श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। न धर्मनिष्ठ न चात्मवेदी न भक्तिमान त्वच्चरणारविन्दे। अकिञ्चनोऽनन्य गतिं शरण्या तव पादमूलम् शरणं प्रपद्ये। श्रीनुवंसतो भगवतो गुणकीर्तनानि देहेन यस्य पुलकोद्गमरोमराजी नोत्पद्यते नयनयोर्विमलाम्बुमाला धिक्तस्य जीवितमहो पुरुषाधमस्य। हरे कृष्ण। भगवान की मधुर लीलाएं सुनने से उसका क्या प्रभाव होना चाहिए। श्रीनवंसतो भगवतो गुण कीर्तनानी, भगवान के नाम रूप गुण और लीला इसका श्रवण और कीर्तन करने से अगर किसी का देह पुलकित नहीं होता और उसके रोंगटे खड़े नहीं होते और न उत्पद्यते नयने और विमल अंबु माला, भगवान की लीलाओं को सुनकर अगर उसके नयनों में प्रेमाश्रुओं की झड़ी नहीं बहती है तो इसका अर्थ क्या है। कह रहे हैं कि ऐसे अधम पुरुष के जीवन को धिक्कार है, इसको जीने का कोई लाभ नहीं है। धिक्तस्य 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 मृदंग बज रहा तो बोले धिक धिक धिक, मतलब तुम्हारे जीवन को धिक्कार है। धिक्तस्य तो अधम पुरुष उसको कहा कर रहे हैं। क्या करें, धिक्तस्य जीवितम हो पुरुष अधमस्य। ऐसा पुरुष क्या है, अधम पुरुष। तो हम सब उसी कैटेगरी वाले आते हैं क्योंकि हमारी आंखों में अश्रु नहीं गिरते प्रेम के जब हम कथा सुनते हैं तो। अधम
श्री गुरु चरण, श्री गुरु करुणा सिंधु, अधम जनार बंधु, अधम जनों के ही बंधु हैं श्री गुरु करुणा सिंधु। ये भगवान की लीलाओं का कितना प्रभाव है, भगवान का नाम रूप गुण लीला कीर्तन का इतना प्रभाव है, सुनाई दे रहा है सबको। इसलिए सुनते सुनते एक दिन ऐसा आएगा, अगर हम ध्यान पूर्वक श्रद्धा से सुनेंगे, श्रवण कीर्तन में लगेंगे, तो एक दिन आएगा। गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलिते नयने भवे नीरा, आर कबे नीताय चांदे करुणा हईवे, आर कबे नीताय चांदे करुणा हईवे, संसार वासना मोर कबे तुच्छ बे, संसार वासना विषय छड़िया कबे सुधा हबे माना, विषय छड़िया कबे सुधा हबे माना, कबे हम हे रवो श्री वृंदावन, रूप रघुनाथ पदे हरिबे अकुति, रूप रघुनाथ पदे हरिबे अकुति, कबे हम बुझाबो से जुगल प्रीति, कबे हम बुझाबो से जुगल प्रीति, रूप रघुनाथ पदे प्रभु मोर आस, रूप रघुनाथ पदे प्रभु मोर आस, प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दास, प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दास। नरोत्तम दास जी प्रार्थना करते हैं क्या, कि रूप रघुनाथ गोस्वामी के कृपा कब प्राप्त होगी और हमारे आँखों से गौरांग नाम लेते ही अश्रु बहेंगे, हरी हरी बोलने से आँखों से अश्रु बहेंगे, और जब तक नहीं बहते तब तक हम क्या हैं, अधम पुरुष, अधम पुरुष। नीताई गौरा चंद्र, नीताई गौरा चंद्र, परमा
करुणा पाहू दुई जाने निताई गौरा चंद्र परम करुणा सबय अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद देखो रे भाई देखो रे भाई त्रिभुवने नाय ए मोने दयाल दाता देखो रे भाई त्रिभुवने नाय देखो रे भाई देखो रे भाई त्रिभुवने नाई एमन दयाल दादा पशु पाखी झुरे पाषाण बिदरे सुनी जार गुण गाथा पशु पाखी झुरे उनके गुणों की गाथा को सुनकर निताई गौर के गुण उनके कथा को सुनकर पशु और पक्षी भी रोते हैं। मनुष्य की तो बात छोड़ दीजिए। पशु पाखी झुरे पाषाण बिदर यहाँ तक कि पत्थर भी फट जाता है सुनी जा रहा गुण गाथा तो हमारा हृदय क्या है इसका मतलब पत्थर से हार्ड है। तो कहते हैं इसलिए संसारे मजिया रही लो पड़िया से पदे नहीं लो आस आपन करम भुजाए समान कहे लोचन दास हमारा हृदय नहीं पिघलता इसलिए हम सब संसारे मजिया संसार में क्या कर रहे हैं मजा ले रहे हैं कोरोना वायरस का कष्ट है दुख होगा बार बार दुख आएगा डेंजर खतरा आएगा संसारे मजिया रहिलो पड़िया से पदे नहिलो आस अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं भगवान की लीलाओं को जितना श्रवण करना चाहिए श्रद्धा से सुनना सुनने मात्र से भगवान की लीलाओं में इतनी शक्ति है कि सुनने मात्र से हमारा हृदय आकर्षित हो जाता है और कुछ नहीं करना बैठकर सुनते रहना और कथा तो इतनी मधुर होती है कि सुनने में आनंद आता है कुछ नहीं करना कोई बोलते हैं ये छोड़ना पड़ेगा वो छोड़ना पड़ेगा वो अपने आप हो जाएगा भाई छोड़ेंगे नहीं तो कथा कैसे सुनेंगे। बस इतना छोड़ दीजिए कि कथा बैठ जाइए बाकी सब अपने आप छूट जाएगा उसको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
प्रभु हमें कुछ छोड़ना नहीं है प्रभु जी, क्या छोड़ना है, कितना छोड़ना है, क्या छोड़ना है, खाना छोड़ना है, कपड़ा पहनना छोड़ना है? नहीं, संसार को इतना बस छोड़ दो कि कथा में बैठने का ध्यान लग जाए और बैठ जाए कथा में, बस इतना छोड़ दो। अब बाकी बाकी छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप छूट जाता है। कैसे छूट जाएगा है? बड़े ही आसानी से छूटेगा, और छूटेगा भी और आनंद भी आएगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्या आनंद आएगा? अपने आप संसार नहीं छूटेगा, संसार नहीं छूटेगा। संसार में रहते हुए जैसे कहते ना कि पानी में नाव चले तो चले, मत नाव में पानी आने दो। आपकी नाव तो पानी में चलेगी लेकिन पानी नाव में नहीं आएगा, बस ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नहीं भाई? नाव तो पानी में चलने के लिए बनाई ही गई है, थोड़े ना जमीन पर चलेगी, है कि नहीं? जमीन पे नाव थोड़े चलती, पानी में ही चलती। उसी तरह से ये मनुष्य शरीर बनाया गया है पानी इस संसार में चलने के लिए, तो वो तो चलेगा ही, लेकिन खतरा कब है? जब पानी में चलते समय नाव में पानी आ जाए, है कि नहीं? तो अपने आप ऐसा हो जाएगा भगवान। क्यों? क्योंकि भगवान की लीलाएं तो वही तो हम उसी के लिए बने हैं। हमारा कंपैटिबिलिटी बनता है भगवान से, संसार से नहीं। संसार की लीलाएं तो केवल समस्या के कारण बनती हैं। आप देखिए संसार की कथा जो है वो हृदय को आनंद नहीं दे सकती, निरस कथाएं हैं संसार की। संसार में क्या कथा है? इतिहास पढ़ते तो क्या पढ़ते हो? आनंद आता है इतिहास पढ़ने से कि औरंगजेब ने अपने 100 भाइयों को काट दिया आनंद आता है, हैं? इतिहास पढ़ने से आनंद आता है, हैं? कि ताजमहल बनवा के 20,000 मजदूरों का हाथ काट दिया गया, ये आनंद का स्रोत है ये? नहीं। किसने किसको लूटा, किसने किसको गला काटा, किसने किसको हराया, हैं? नहीं। प्रेम, जिस कथा में प्रेम हो आनंद हो वही है, और वो कथाएं हैं भगवान की, इसलिए हमारे हृदय को आकर्षित कर लेती हैं, हमारे कान को आकर्षित कर लेगी, अपने आप हृदय को आकर्षित कर लेगी, उसमें इतना मन रम जाएगा कि फिर बाहर नहीं निकलेगा। और अपने आप जैसे कोई रसो वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, हैं? जैसे मान लीजिए कि कोई अगर लड्डू खा रहा है, उसको रसमलाई लेकर ला के दे दीजिए सामने, तो लड्डू अपने आप छोड़ देता है कि नहीं? रसमलाई पे शुरू कर देता है खाना है कि नहीं? उसको दुख होता है लड्डू छोड़ने में, नहीं होता दुख है कि नहीं? कोई बोलता है प्रभु आप लड्डू क्यों छोड़ दिए, आपको दुख तो नहीं हो रहा है? नहीं नहीं दुख नहीं हो रहा, बांट दे क्या प्रभु? हाँ हाँ बांटिए, सबको बांटिए। उसी तरह से कथाओं में अगर रुचि आ जाए तो आनंद ही आनंद है। जय जय कामला नयन गौरा चंद्र, जय जय तुमार प्रेमेरा भक्त वृंद। कमल नयन, भगवान गौर चंद्र का नयन जो है कमल के समान, आप और आपके भक्तों की जय हो। हे न शुभ दृष्टि प्रभु कर आम जाए,
हरनि सचित जेना बसए तुमाए। हे प्रभु, अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर डालिए, जिससे कि मेरा चित्त हमेशा आपके चरण कमलों में लग जाए। हे नमोते प्रकाश हईला गौर चंद्र सची गृहे दीने दीने बाढ़े आनंद। हमने वर्णन किया कि किस प्रकार से गौरचंद्र प्रकट हो गए, और जब से प्रकट हुए हैं तब से सची माता के घर में आनंद दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। रख दीजिए, जब जरूरत पड़ेगा तो। अब सची माता के आनंद की क्या सीमा है देखिए, ध्यान से सुनिए, माता क्या आनंद लूट रही हैं। पुत्रेर श्रीमुख देखी ब्राह्मणी ब्राह्मण, पुत्रेर श्रीमुख देखी ब्राह्मणी ब्राह्मण, आनंद सागरे दोहे भासे अनुचण, भाई रे देखिया विश्वरूप भगवान, आसिया करे न कोले आनंदे रधाम। पुत्र के श्रीमुख को देख रही हैं कौन, ब्राह्मणी और ब्राह्मण, बेटे के मुख को देख रही हैं, निहार रही हैं जगन्नाथ मिश्र और सची दोनों, अपने छोटे बालक निमाई, इतना छोटा मुख है, इतना छोटा मुख, चंद्र चंद्रमा के करोड़ों चंद्रमा के समान। किंबा कोटि चंद्र क्या, किंबा बहुकोटि चंद्र जिनी बदन उज्वल। कुत्ते का बच्चा भी जब छोटा होता इतना सुंदर लगता है कि नहीं। सोचिए, ये तो भगवान है, जब बाल रूप में गोद में खेलते हैं। किबा कोटि चंद्र बहु कोटि, बहुत करोड़ों चंद्रमा, जिनी बदन उज्वल, गल देशे बन माला करे झलमल। गल देशे मतलब गले के प्रदेश में जो बन की माला है वो झलमल कर रही है, और बार बार मुख को निहार रहे हैं ब्राह्मणी और ब्राह्मण। आनंद सागरे दोहे पासे अनुक्षण, आनंद के समुद्र में दोनों डूब रहे हैं, हर क्षण जब भी देखते हैं लग जैसे आनंद में डूब गए, आनंद का समुद्र उमड़ रहा है। भाई रे देखिया विश्वरूप भगवान, विश्वरूप भगवान भाई बड़े भाई हैं, छोटा भाई आया है नया नया है? भाई छोटा भाई है, विश्वरूप बड़े भाई हैं, भाई को देख रहे हैं। आ हंसी या करे न कोले आनंद रखकर गोद में ले लेते हैं छोटे भाई को, भगवान विश्वरूप बलराम जी के अवतार है ना, बलराम जी दो रूप में प्रकट हुए, नित्यानंद प्रभु और विश्वरूप दो रूप में। तो गोद में उठाकर जब लेते हैं तो लगता है जैसे आनंद का धाम है ये, हंसते हैं। हसिया करे न कोले आनंदेर धाम, हसिया करे न कोले आनंदेर धाम,
जत आप तो बर गया छे सर्व परिकरे अहर्निश सभे था कि बालक आवरे विष्णु रक्षा के हो देवी रक्षा पढ़े मंत्र पढ़ी घर के हो जारी टिग पा बढ़े। तो जितने लोग हैं आप्त वर्ग जितने आप्त वर्ग आछे सर्व परिकरे जितने परिकर थे हैं जितने निज जन परिकर में जितने निज जन है वह सब दिन रात बालक को घेरे रहते हैं चारों तरफ से आगे बालक कोई छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा है सब बैठे रहते हैं चारों तरफ भगवान कहाँ जाएंगे तो कोई छोड़ेगा उनको दिन रात घेरे रहते हैं कोई विष्णु रक्षा मंत्र जप कर रहा है बालों को कुछ हो न जाए हैं विष्णु रक्षा के हो देवी रक्षा पढ़े मंत्र पढ़ी घर के हो चारि दिग बेड़े तावत का देन प्रभु कमल लोचन हरि नाम सुनिले रहे न तत् क्षण परम संकेत सभे बुझिले न कांदिले हरि नाम सभे लेन सर्वलोके आवरिया थाके सर्व क्षण कौतुक करे जे जे रसिक देव गण कोन देव अलक्षित गृहे ते संभाए छाया देखी सभे बोले एई चोर जाए। कितना करेंगी सारे परिकर जो हैं उनमें से कोई विष्णु रक्षा का मंत्र पढ़ रहा है कोई देवी रक्षा मंत्र स्तोत्र पढ़ रहा है सभी कोरोना के लिए पढ़ रहे हैं लोग और कोई जो है दिशाओं को बांधने का मंत्र पढ़ रहा है ताकि सारी दिशाओं को बांध देंगे ताकि कोई चोर कोई अनिष्ट कोई भूत प्रेत घुस न जाए बच्चे का अनिष्ट न हो जाए। अब जिसके पास जो भी सिद्धियाँ हैं मंत्र की वो अपना पढ़ रहा है सब लोग हर समय प्रभु को घेर कर रहते हैं कभी कभी रसिक देवगण ऐसा कौतुक करते हैं क्या कौतुक करेंगे देवता लोग भी बीच बीच में मजाक करते हैं आगे क्या कोई देवता अलक्षित रूप से घर में घुस जाता है किसी को दिख नहीं रहा देवता घुस गया अंदर उसकी छाया को देखकर सब लोग कहते हैं कि देखो 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 ये शिशु चोर जा रहा है ये बालक को चुरा रहा है देखो छुप के जा रहा है केवल छाया दिख रही है इसकी नरसिंह नरसिंह केहो करे ध्वनि अपराजिता रसोत्र कार मुखे सुनी नाना मंत्र केहो दश दिग बंध करे उठिल परम कल रव सती गे प्रभु देखी गृहेरा बाहिरे देव जाए सभे बोले जात दारिणी पलाए केहो चले धर धर ए चोरा जाए सिंह सिंह केहो डाके सदाए कोनो ओझा बोले आजी एड़ाई लो भाल ना जानी स नरसिंहेर प्रताप विशाल करेंगे शिशु चोर जा रहा है बालक का चोर जा रहा है कहीं चुरा ना ले देखो यही लग रहा है मेरे को चोर है ये देवता को चोर तब कोई तो नरसिंह को पुकारता है नरसिंह नरसिंह और कोई अपराजित देवी का मंत्र स्तुति पढ़ रहा है कोई अनेक प्रकार के मंत्र पढ़कर दसों दिशाओं को बांधता है। इस प्रकार श्री शची देवी के घर में परम कलरव होने लगा।
प्रभु के दर्शन कर जब कोई देवता घर के बाहर आता है तब सब कहते हैं कि देखो देखो यह बालक को हरने वाली डाइन भरी भागी जा रही है, डाइन भागी जा रही है। सब बोलते हैं पकड़ो पकड़ो यह चोर चला जा रहा है, और कोई लगातार नरसिंह नरसिंह पुकारता है। कोई ओझा, ओझा मतलब समझते ना जो भूत प्रेत निकालने वाला है, अगर बैठा रहेगा ओझा बैठा रहता है जिसका काम था भूत प्रेत निकालना। कोई ओझा देवता की छाया को भूत समझकर कहता है आज तुम सच सब तुम बच के जा रहे हो लेकिन तुम श्री नरसिंह जी के विशाल प्रताप को नहीं जानते हो, हैं पटक देंगे नरसिंह भगवान तेरे को। देवता यह सुनकर वहीं खड़ा हुआ अलक्षित रूप से हंस रहा है कि देखो कैसे बावले हैं सब, देवता को देवी देवता को डायन बोल। इसी प्रकार होते होते एक महीना बीत गया। कितना? एक महीना बीत गया। बालक का उत्थान पर्व का समय जब आया तो स्त्रियां जो है श्री सची देवी के साथ गंगा स्नान करने के लिए गई। उत्थान पर्व में गंगा स्नान का नियम है, वाद्य गीत के साथ गंगा स्नान करके प्रथम श्री गंगा जी को पूजा किया, फिर देवी के स्थान पर गई और यथा विधि सब देवताओं के चरण पूजन करके सब नारीगण घर लौट आई। तो देवता की पूजा कर रहे हैं और देवता को डायन और भूत भी बोल रहे हैं दोनों। हंसेंगे नहीं देवता तो क्या करेंगे, उधर पूजा अभी बुद्ध डाइन बोल के उधर जाके फिर पूजा कर। दिव्य लीला है ना। घर में आकर श्री सची माँ सबको सम्मान कर खील फेला तेल सिंदूर सुपाड़ी और पान सब वितरण कर रही हैं। सर्व नारीगण बालक को आशीषें देकर, सारी नारियां बालक को आशीर्वाद दे रही हैं और श्री सची माँ के चरण वंदना कर अपने अपने घर को जा रही हैं। इस प्रकार लीला में प्रभु अपनी लीला को विस्तार करते हुए विराजमान हैं। वे यदि आप अपने को प्रकट ना करें तो कौन जान सकता है उनको। श्री प्रभु अपना नाम कीर्तन कराना कराने को चाहते हैं, उनके मूड होता कि थोड़ा संकीर्तन हो जाए, हैं संकीर्तन, तो इसलिए बड़े जोर जोर से प्राय रोदन करते हैं। क्या करते हैं? रोदन, बड़े बड़े जोर जोर से रोते हैं। कराई ते चाहे प्रभु आपन कीर्तन एत दर्दे करे प्रभु सघने रोदन जत जत प्रबोध कराए नारी गण प्रभु पुन पुन करी कराए रोदन हरि बोला जाति डाके सर्व जाने तबे प्रभु हासी चन श्रीचंद्र बदने जानिया प्रभु रचित सर्वजने मेली सदाई बोले न हरि दिया करताली। बालक का उत्थान पर्व हो गया। अब इस प्रकार यदि प्रभु अपना नाम कीर्तन कराना चाहते हैं तो इसलिए बड़े जोर जोर से रोने शुरू कर देते हैं। स्त्रीगण चुप होने के लिए चुप कराने के लिए बहुत उपाय करती हैं पर प्रभु जितना उपाय करेंगी और ज़्यादा रोना शुरू कर देते हैं और अधिक रो रहे हैं। खिलौना पकड़ा रही तो और ज़्यादा रोना शुरू करते हैं, खिलौने से मन नहीं नहीं ये नहीं फेंक देते हैं उठा के। तो समझ में नहीं आता क्या, जनरली बालक को खिलौना पकड़ा देते हैं हम लोग नाना प्रकार के तो चुप हो जाते हैं, पता नहीं कैसा बालक है, क्या चाहिए इसको, क्यों रो रहा है। तभी किसी को आइडिया आया। यदि सर्व मन हरि हरि करके बोलते हैं, क्या जब हरि हरि बोलने लगते हैं किसी को आइडिया हरि हरि बोल दिया तो प्रभु अचानक हाँ 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 हंसना शुरू कर दिए। अब बालक छोटा जब हंसता है, मेरे जैसा नहीं जैसे मैं हंसा, छोटा बालक हंसने का तरीका है अलग मधुर होता है ना।
उसका हंसी जो है एकदम विचित्र हृदय को आकर्षित करने वाला होता है कि नहीं। और भगवान जब हंस रहे हैं तो किसो जी कितना आकर्षक होगा है? तो मुस्कुराने लगते हैं जैसे कोई हरी हरी है कि नहीं। प्रभु उसका मान उसको चंद्रमुख, तो प्रभु अपने श्री चंद्रमुख से हंसते हुए उसकी ओर निहारने लगते हैं, जो हरी हरी बोलता है उसकी तरफ देखने लगते हैं हंसते हुए है? तब सब लोग समझ गए कि अब प्रभु हमारी तरफ भी देखेंगे अगर हम क्या करेंगे, हरी हरी करेंगे। तो जिसका मन होता था कि मेरे तरफ देखे बालक तो क्या करता था, हरी हरी। तो आप भी चाहते हैं कि आपकी तरफ देखें भगवान जी, तो क्या करना पड़ेगा, हरी हरी। यस हरी हरी है। तब सब लोग प्रभु के मन की बात को समझ गए और परस्पर मिलकर क्या कर रहे हैं, आनंद करे न सभे हरि संकीर्तना, आनंद करे न सभे हरि संकीर्तना, हरि नामे पूर्ण हैला सचिरा भावना, आनंद से सब लोग हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। सची माता का भवन जो घर है वो पूरा हरिनाम से भर गया, जैसे आज चंद्रकांत प्रभु का घर हरिनाम से भर गया है ना। आदि कर्ता प्रभु जी भी हरि हरि कर रहे हैं। हरि हरि आज देखिए, जैसे सची माता का घर हरि हरि से भर गया, आज चंद्रकांत जी का घर हरि हरि से भर गया। मते बैसे प्रभु जगन्नाथ घरे, गुप्त भावे गोपाले र प्राय केली करे, जे समय जखन ना थाके के हो घरे, जे किछु थाके घरे सकल विचारे। यही मते बैसे प्रभु जगन्नाथ घरे, गुप्त भाव गोपाल, आज गोपाल जी आज गुप्त भाव में गौर रूप धारण करके जगन्नाथ मिश्र के घर में क्या कर रहे हैं, विराजमान हैं। विचारिया सकल फैलाए, जे समय जखन न थाके केहु घरे, जे किछु थाके घरे सकल विचारे। बिचारिया सकल फैलाए चारि भीते, सर्व घर भरे तैल दुग्ध घोल घीते, जननी आई से हेन जानियाया पने, शयन आछे न प्रभु करे न रुदाने, हरि हरि बलिया सांत्वना करे माई, घरे देखे सब द्रव्य घड़ा घड़ी जाई, के फेली ल सर्वगृह धान्य चालू मुद्ग, पांडेरा सहित देखे मंगदधि दुग्ध, सबे चारि मासेर बालक आछे घरे, के फेली लहे न केओ बुझिते न पारे, सब परिजन आसी मिलिल तथाए, मनुषेर चिन्ह मात्र केहो नाही पाए, केहो बोले दानव आसिया छिल घरे, रक्षा लगी शिशुर नरिल लंघी बारे, शिशु लंघी बारे ना पाइया क्रोध माने, अपचय करिया पलाइल निज स्थाने, मिश्र जगन्नाथ देखि चित्त बड़ धन, देव हे न जान
मुनी किछु ना बोलिला मांदा नैवरा बजाया देखी दुई जाने चाहे बालक देखिया कौन दुख नाही रहे यही माता प्रतिदिन परे ना कौतुक नामकरण रकाल हईला सम्मुख नीलांबर चक्रवर्ती आदि विद्यावान सर्वबंधु गणे रहिला उपस्थान। जिस सर जिस समय घर में कोई नहीं रहता है उसमें प्रभु घर में जो कुछ सामान होता है भली भांति विचार लेते हैं। क्या करते हैं, कोई घर में नहीं रहता, अकेले हैं, 4 महीना उम्र हो गया अभी, अकेले हैं घर में, कोई घर सजी माता बाहर चले जाते हैं किसी कहाँ से, पिताजी भी बाहर हैं, अकेले हैं 4 महीने के, तो क्या करते हैं, सारा सामान देखते हैं। अच्छा अच्छा बहुत सारा खिलौना पड़ा है आज, और फिर विचार के पश्चात सब सामान को उठा उठा कर फेंक देते हैं चारों तरफ। जैसे बच्चा क्या करता है, इधर का सामान उधर ठोक फेंक देगा, उधर फेंक देगा, तो क्या क्या सामान, तेल, दूध, छाछ और घी सब पटक के नीचे गिरा के पूरा घर भर दिया यह समझ कर कि माता जी आ रही हैं। अब क्या, तभी तो सजी माता बाहर से आती हैं तो पता चल जाए, आवाज़ पैर की आवाज़ से पता चला अभी माँ आ रही है, तो क्या कहते हैं, आप चुपचाप जाकर लौट जाते हैं कोने में एकदम, मैंने नहीं किया है, पता नहीं किसने किया होगा और रोदन करना शुरू कर देते हैं, रोने लगते हैं, है ना। माता जी हरी हरी गाकर आपको चुप कराती हैं, उसके पश्चात देखते हैं कि सब सामान घर में तितर बितर हुआ पड़ा है, तब माता जी सोचती हैं कि सब सामान घर में यह धान चावल मूंग किसने फैलाया, टूटे हुए बर्तन के संग फैले हुए दही दूध को देखती हैं, केवल 4 मास का बालक घर में है, यह सब सामान किसने बिखेर दिया, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। इतने में सारे कुटुंबी लोग आ पहुँचते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कहीं मनुष्य के चिन्ह मात्र भी नहीं है, है? फिंगरप्रिंट और सब टिप्स प्रिंट लेते हैं, फुटप्रिंट लेते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देगा, पूरा फॉरेंसिक जांच टीम आ गई किसी का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है सब आश्चर्य के, आखिर किया किसने, तब कोई कहता है कि लगता है घर में दानव आया था लेकिन मंत्र से रक्षित होने, मैंने तो मंत्र से रक्षित कर दिया था, पहले से बांध दिया था, इसलिए बालक को कुछ अनिष्ट नहीं कर सका जब बालक कुछ अनिष्ट नहीं कर सका तो उसको क्रोध आया होगा और इसीलिए उसने सोचा कि अब कुछ तो इसको, बालक को तो नहीं कर पाया हूँ तो सारा सामान ही पटक पटक के तोड़ के जाता चला जाता हूँ। श्री जगन्नाथ मिश्र ऐसा देखकर चित्त में कुछ निश्चय नहीं कर पाते हैं, पीछे यह देवी लीला सब भगवान की लीला है ये छोड़ो, ऐसा जानकर कुछ अच्छे वचन नहीं कहते, मतलब किसी को बुरा नहीं बोलते हैं। देवी उपद्रव को देखकर दोनों जन माता पिता परस्पर देखने लगे और बालक ऊपर दृष्टि पड़ते ही उनको किसी प्रकार का दुख नहीं रहा, जैसे ही बच्चे को देखे तो सब भूल गए दुख, चलो ठीक है टूट फूट गया है लेकिन कोई बात नहीं। इस प्रकार के कौतुक प्रभु प्रतिदिन करते हैं। अब नामकरण का समय आ गया, 4 महीने बीत गए, क्या आ गया, नामकरण का समय। नामकरण का समय जानकर श्री नीलांबर चक्रवर्ती आदि सब विद्वान बंधुवर्ग श्री जगन्नाथ मिश्र के घर पधारते हैं। मिलीला बिस्तर आसी पतिव्रता गण लक्ष्मी प्राय दीप्त सभी दुर्गा भूषण
हम थोई बार सबे करे ना विचार त्रिगण बोले का अन्य बोले यार यहाँ अनेक ज्येष्ठ कन्या पुत्र नाही शेषे जन्म हे तारे नाम से निमाई तो नाम पड़ गया क्या निमाई अनेक पतिव्रता स्त्रियां वहां पर पहुंच गई हैं वो सब लक्ष्मी की जैसी किस्मत वाली थी और सीमंत में सिंदूर से विभूषित थी सब लोग नाम रखने का विचार करते हैं स्त्रीगण कोई नाम बोलती है और दूसरी स्त्री कोई दूसरा नाम बोलते मेरे हिसाब से ये नाम होना चाहिए इस बालक का तो दूसरी माता जी क्या बोलती है नहीं मेरे नाम से ये नाम होना चाहिए इसका तो श्री सची माता के इससे बड़े अनेक पुत्र और कन्या के त्रिभाव हो गए हैं सबसे पीछे जन्म लेने से हैं एक स्त्री बोलती है कि बाकी तो कितने का त्रिभाव हो गया लेकिन ये सबसे लास्ट में आया है इसलिए इस बालक का नाम रखेंगे निमाई क्या निमाई ऐसा एक स्त्री ने कहा बोले ना विद्वान सब करिया विचार एक नाम योग्य है बुझते इहार ऐसी सुजन मिले मात्र सर्व देश देशे दुर्भिक्ष घुचिल बृष्टि पाइल कृषक जगत इल सुस्त इहार जनमे पूर्वे जेना पृथ्वी धरिला नागवर्णी अतएव इहा श्री विश्वम्भर नाम कुलदीप कुष्टि देव लिखिला इहा दूसरा नाम पड़ गया क्या विश्वम्भर क्या करें करें कि स्त्रियों ने निमाई नाम दिया इसके पश्चात सारे विद्वान लोग विचार करते हैं कि इसका एक नाम रखना ठीक होगा इस बालक के जन्म लेते ही देशों देशों में दुर्भिक्ष दूर हो गया कोरोना दूर हो गया कृषकों के लिए वर्षा हुई कृषकों के लिए वर्षा हुई जैसे कि पूर्व काल में श्रीमन नारायण देव ने पूर्व काल में जैसे नारायण देव ने प्रकट होकर पृथ्वी का पोषण किया था उसी प्रकार इस बालक ने भी जन्म लेकर जगत को सुखी किया है अतः इसका नाम है श्री विश्वम्भर इसलिए कुलदीप कोष्ठी में भी इसी नाम को लिख देते हैं तो कुलदीप जो कोष्ठी थी मतलब जेनियोलॉजिकल जो उसमें उसमें क्या नाम लिखा गया विश्वम्भर और बोलने का नाम था निमाई लेकिन पेपर में विश्वम्भर इन पतिव्रता गण ने जो निमाई नाम धरा है यह भी दूसरा नाम है बोले एक मेन तो लेकिन स्त्रियों ने भी एक नाम दिया निमाई तो इसको हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे इन नंबर टू नाम रहेगा यह भी दूसरा नाम हो इस नाम से सब लोग इसको बोलेंगे सर शुभ लक्षण से पूर्ण नाम करण के समय ब्राह्मण लोग गीता भागवत एवं वेद पाठ कर रहे हैं नामकरण भी चल रहा है और साथ साथ गीता भागवत और वेद पाठ भी हो रहा है देवतागण एवं मनुष्यगण मंगल मना रहे हैं हरि ध्वनि हो रही है संख्या घंटा सब बज रहे हैं उस समय प्रभु से कोई एक वस्तु उठवाने के लिए श्री जगन्नाथ मिश्र उपाय करते हैं
है ना, कि कौन सी वस्तु उठाएंगे, अब देखते हैं, टेस्ट कर रहे हैं, कैरेक्टर टेस्ट, फ्यूचर में इसका कैरेक्टर कैसा होगा, इंक्लाइनेशन क्या होगा। पहले बच्चों को ऐसा करते थे, है ना। तो एक तरफ क्या रख दिए, धान, पुस्तकें, खट्टियाँ, स्वर्ण, चांदी आदि वस्तुएं प्रभु के सामने लाकर रख दिए। धान रख दिया, पुस्तक ये रखा, खट्टियाँ रखी, स्वर्ण रखा, चांदी रखा। तब श्री जगन्नाथ मिश्र जी कहते हैं कि हे वत्स विश्वंभर, सुनो, इन वस्तुओं में से जो तुमको अच्छी लगे वह झट से पकड़ लो। प्रभु श्री सचिनंदन ने सब वस्तुओं को छोड़कर श्रीमद् भागवत जी को पकड़कर आलिंगन दिया। पतिव्रता गण चारों ओर से जय जयकार देने लगी। सभी कहती हैं यह बालक बड़ा पंडित होगा। कोई कहते हैं, क्या कहते हैं, के हो बोले शिशु हाइवा परम वैष्णवा अल्पे सर्व शास्त्रे र जानिब अनुभावा जे दिगे हासिया प्रभु चांद विश्वम्भर आनंदे सिंचित हय तार कले बर कराए कोले से एड़ी ते ना जाने देवेरा दुर्लभ कोले करे नारी गणे प्रभु जे कांदे से छड़े नारी गण हाथे ताली दिया करे हरि संकीर्तन दुनिया नाचे न प्रभु कोले रहू परे विशेषे सकल नारी हरि ध्वनि करे वीरवती सभार बदने हरि नाम खाले बोलाए न प्रभु नहीं चाहता। कोई कहता है कि यह बालक परम वैष्णव होगा, अल्पकाल में ही सर्व शास्त्रों के मर्म को जानने वाला बनेगा, भागवत उठा लिया है। है ना। प्रभु श्री विश्वंभर हंसते हुए जिसकी ओर देखते हैं उसी का शरीर आनंद से भींग जाता है। जो कोई नारीगण श्री निमाई चांद को गोदी में लेती है वह फिर उतारना नहीं चाहती। देवताओं के भी दुर्लभ धन को नारीगण गोदी में ले लेकर खिला रही है, क्योंकि कितना सौभाग्य, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जब ब्रह्मा जी समाधि लगाते हैं कितने सौ सालों तक, फिर भी उनको भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। आज नवदीप की जो स्त्रियां हैं गोद में उठाकर खिला रही उसी भगवान को बिना ध्यान लगाए। प्रभु श्री निमाय चांद जेव ही रोते हैं तेव ही नारीगण ताली बजाती हुई श्री हरि संकीर्तन ध्वनि करने लगती हैं। श्री हरि संकीर्तन को सुनकर प्रभु गोदी में ही बैठकर नाचते हैं। मतलब उचकने लगते हैं इसे, जैसे हरि नाम संकीर्तन होता है तो ऐसे ऐसे नाचते हैं, तब तो नारीगण विशेष रूप से हरि ध्वनि करती हैं। जब नाचने लगते तो और उनको हरि ध्वनि कर रही हैं। श्री प्रभु क्रंदन छल से निरंतर सबके मुख से हरि नाम लिवाते हैं, उनकी ऐसी इच्छा है। छल है ये उनका, क्या है, छल, क्रंदन छल इसको बोलते हैं, क्या, क्रंदन चीटिंग। जैन के प्रकार मन कृष्ण निवेश है। उनकी इच्छा के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। वेद शास्त्र एवं श्री भागवत जी इस तत्व का बखान करते हैं। इस प्रकार प्रभु श्री सचिनंदन निज नाम संकीर्तन कराते हुए दिन दिन बड़े होने लगे। अब परम सुंदर श्री प्रभु घुटुवन चलने लगे। हैं, क्या, घुटुवन, घुटुवन समझ रहे हैं ना। हाँ,
जानु गति चले प्रभु परम सुंदर कटिते किंकिड़ी बाजे अति मनोहर परम निर्भय सर्व आंगने बिहारे किवा अग्नि सर्प जहाँ देखे चाहे धारे। जानु गति, कौन सी गति? जानु गति बोलते हैं, घुटवन चलने को बोलते हैं जानु गति। जानु गति चले प्रभु और बड़े परम सुंदर लग रहे हैं और माता ने पहना रखा है क्या कंगन किंकिणी, बच्चों को नहीं पहनाया जाए, टुन 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 आवाज आती है। टुन 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 आवाज आ रही है, किंकिणी की आवाज आ रही है, बड़ा मनोहर लग रहा है। और आंगन में निर्भय होकर आंगन में विहार कर रहे हैं, किसी से नहीं डरते, आग से भी नहीं डरते, बच्चे वैसे भी नहीं डरते हैं जब तक हाथ जल ना जाए। किसी से नहीं डरते, आग से नहीं डरते, सांप से नहीं डरते, और जो भी चीज़ देखते हैं पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। आग देखते हैं तो आग को पकड़ने के लिए, सांप देखते हैं सांप को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। एक दिन एक सर्प बढ़ीते बेड़ा धरिले न सर्प प्रभु बालक लीलाए कुंडली करिया सर्प रही बैठिया ठाकुर थाकिला सर्व ऊपरे सुइया आथे व्यथे सभे देखी हाय हाय करी सुइया हासे न प्रभु सर्पे रहू परे गरुड़ गरुड़ करी डाके सर्वजान पिता माता जादी भये करे क्रंदन प्रभु रे एलिया सर्प पलाए तखाना कुनी धरी बारे जान चची नंदन धरियानिया सबे करिले न कोले चिरजीवी हौ करी नरी गण बोले। आप पर प्रभु परम सुंदर श्री प्रभु घुटवन चलने लगे थे, चलते समय कटी में अति मनोहर किंकिणी बजती है, परम निर्भय होकर सर्व आंगन में घूमते हैं और वहाँ क्या अग्नि क्या सर्प जो भी देखते हैं उसी को पकड़ लेते हैं। तो एक दिन एक सर्प घर में डोल रहा था, घर में एक सांप डोल रहा था, प्रभु ने उसको बाल सुलभ खेल के अनुसार पकड़ लिया सांप को, सांप को जाकर पकड़ लिए। पकड़ते ही सर्प ने प्रभु के हाथ के चारों ओर कुंडली मार ली, प्रभु भी सर्प के ऊपर सो गए। उसने कुंडली मार दिया सांप ने और उसी के ऊपर सो गए। प्रभु को सर्प के ऊपर सोते हुए देखकर सब लोग घबरा कर हाथ हाय हाय करने लगे, इधर प्रभु सर्प के ऊपर सोते हुए हंस रहे हैं, सब लोग गरुड़ 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 कहकर पुकारते हैं और पिता माता भयभीत होकर रोने लगते हैं। तब सर्प प्रभु को छोड़कर भाग जाता है और श्री सचिनंदन फिर उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। वो भागने लगता है तो सचिनंदन जाके दौड़ते हैं, जाके फिर से पकड़ना चाहते हैं सब। तब सब लोग प्रभु को वहाँ से पकड़ लाते हैं और गोदी में लेते हैं। नारीगण चिरंजीवी हो आशीर्वचन बोल रही हैं। के हो रक्षा बांधे के हो पढ़े स्वस्ति बाणी के हो अंगे देई विष्णु पादो दकानी के हो बोले बालकेरा पुनर्जन्म हैला के हो बोले जाति वर्ण देई ना लंगीला
से प्रभु गौर चंद्र सभारे चाहिया पुन पुन जाए सबे श्री निज धरिया भक्ति करे जे ये सब वेद गोप्य सुने संसार भंजन तारे न करे लंघने एई मत दिने दिने श्री सचिनंदन हटिया करे न प्रभु अंगने भ्रमण। कोई प्रभु के हाथ में रक्षा बंधन बांधता है, रक्षा बंधन, कोई स्वस्ति वाचन करने लगता है, कोई श्री विष्णु चरणामृत लाकर श्री अंग के ऊपर छिड़कता है, भगवान का चरणामृत ला के छिड़क रहा है रक्षा के लिए, सांप चला गया ना, जनरली समस्या के बाद लोग उपाय करते जैसे कोरोना आ गया उसके बाद उपाय शुरू हो रहा है कि नहीं। कोई कह रहा है कि यह जाति सर्प है इसलिए कोई अनिष्ट नहीं किया। जाति सर्प मतलब भगवान के सांप ऊपर, भगवान का स्वरूप था कहने का अर्थ है, शेष नाग का स्वरूप था इसीलिए कुछ देवता स्वभाव का था इसलिए अनिष्ट नहीं किया, काटा नहीं बालक को। प्रभु श्री गौरचंद्र सबकी ओर चाहते हुए हंसते हैं और सर्प पकड़ने को बार बार चलते हैं, तो उठा लिया गोद में तो फिर बार बार नहीं मेरे को पकड़ना है उसको जा रहे हैं, लोग बार बार पकड़ के लाते हैं फिर बार बार छुड़ा के दौड़ते हैं, नहीं पकड़ना है मेरे को। जो कोई भक्ति पूर्वक यह सब वेद गोप्य लीला को सुनते हैं, जो कोई व्यक्ति भक्ति पूर्वक इन लीलाओं को सुनते हैं संसार रूपी काला सर्प उनको लंघन नहीं करेगा, काल सर्प दोष से मुक्त हो जाएंगे इस लीला को सुनने से। प्रभु श्री सचिनंदन दिन दिन इसी प्रकार लीला करते हुए सब दांव पेच चलकर आंगन में विचरने लगे, कुछ बहाना बना के कुछ इधर उधर करके किसी तरह से आंगन में घूमने चले जाते थे। आपके सर्व अंग की रूप माधुरी कोटि कामदेवों को जीतने वाली है, आपका वह श्रीमुख देखने के लिए चंद्रमा भी ललायित होता है। सुबली मस्तक पर घुंघराले सुंदर केश हैं, कमल सदृश नेत्र हैं, वेशभूषा श्री बाल गोपाल जैसी है, जानू पर्यंत लंबी भुजाएं और अधर अरुण के समान, सर्व शुभ लक्षणों से युक्त आयत वक्षस्थल है, मनोहर गौर वर्ण शरीर है, सहज में ही अमलाई लिए हुए नीम पर उंगली हाथ और श्री चरण तो विशेष रूप से सुंदर अरुण वर्ण है। प्रभु बालक स्वभाव से जब चलते हैं तब चरणों की ललाई की झलक देखकर मानो रक्त निकल पड़ा हो ऐसा जान पड़ता है। जब चलते हैं तो चरण इतने अरुण हैं, लाल रंग के हैं कि माँ देखती है तो लगता है कि कहीं चोट तो नहीं लग गया, खून गिर रहा है क्या, ऐसा लगता है। और देखने जाती है उठा के तो पता चलता है कि नहीं है ही इतने लाल चरण। यह जानकर माता डर जाती है, यह देखकर श्री शशि देवी और श्री जगन्नाथ मिश्र दोनों बड़ा ही आश्चर्य मानते हैं, निर्जन होकर भी दोनों महासुखी हैं, दोनों एकांत में बैठकर चुपचाप बातें करते हैं और कहते हैं हमारे घर में कोई महापुरुष तो प्रकट नहीं हो गया, ऐसे सोच रहे हैं हमारे घर में कोई महापुरुष तो प्रकट नहीं हो गया, अभी डाउट है, अभी क्लियर नहीं। ऐसा समझ पड़ता है कि हमारे घर में ऐसा गुणवान के जन्म लेने से संसार के दुखों का अंत हो गया, किसी बालक का ऐसा स्वभाव कभी सुनने में नहीं आया जो कि श्री हरि नाम की ध्वनि सुनकर निरंतर नाचे और हंसे। जब तक यह खूब जोर की
हरि ध्वनि नहीं सुन लेता तब तक रोता ही रहता है, प्रबोध नहीं मानता, शांति ही नहीं होता इसको। जपक उषा काल में ही से ही सब स्त्रियां बालक को घेर कर श्री हरिनाम संकीर्तन करती रहती हैं, तो सबको पता चल गया कि अभी इसको फेवरेट है हरिनाम। तो उषा काल में ही है ना, सब लोग जुट जाती हैं हरिनाम संकीर्तन के लिए। स्त्री सब तालियां बजाते हुए हरी हरी बोलती हैं और बालक श्री गौर सुंदर आनंदित होकर नृत्य करते हैं। उषा काले हईते जते कनारी गण बालक बेढ़िया सबे करे संकीर्तन, हरि बोली नारी गण देई कर ताली नाचे गौर सुंदर बालक कुतूहली। घड़ी घड़ी जाए प्रभु तुलाए दूसर आसी उठे जननी बोले लाऊ कर अंग भंगी करी नाचे गौरा चंद्र देखिया सभार अतुल आनंद नमते शिशु भावे हरि संकीर्तन कराए न प्रभु नाही तुझे कोनो जान निरवधि धाये प्रभु की घर बाहिरे परम चंचल के हो करिते न पारे केशर बाड़ी र बहिरे प्रभु जाय कला संदेश देखो तारी देखिया प्रभु रूप परम मोहन जने सवेली संदेश कला देना प्रभु रे भाइया संतोषे प्रभु आई से न घरे सकल श्री गण गायन हरि नासवारे अनि सब करे न प्रदान बाल के बुझि देखी हासे सर्व जाना हाथे ताली दिया हरि बोले अनुगान बिहाने की मध्याने की रात्रि संध्या बाड़ी र बाहिरे प्रभु जा निकटे बसए जाता बंधु वर्ग घरे प्रतिदिन कौतुके अपने चूरी करे कारो घर दुग्ध पिए कारो भात खाए हांडी भांगे जार घरे किछु न पाए जार घरे शिशु थाके ताहारे कांदाए केहू देखिले मात्र उठिया पलाए दैव योगे यदि केहो पारे धरी बारे तबे तार पाए धरी करे परिहार। ध्वनि जब तक हरि नाम की नहीं सुन लेता तब तक रोता रहता है, शांत नहीं होता। उषा काल से ही सब स्त्रियां बालक को घेर कर श्री हरि नाम संकीर्तन करती हैं। स्त्री सब तालियां बजाते हुए हरी हरी बोलती हैं और बालक श्री गौर सुंदर आनंदित होकर नृत्य करते हैं। प्रभु धूल में लोटपोट होकर धूल धूसरित हो जा रहे हैं और फिर हंसकर माता की गोद में जाकर विराज जाते हैं। श्री गौर चंद्र ऐसी अंग भंगी कर नाचते हैं, ऐसे स्टाइल बना बना कर, अंग भंगी मतलब स्टाइल, स्टाइल को हिंदी में बोलते हैं क्या, अंग भंगी ऐसी अंग भंगी कर नाचते हैं कि जिसको देखकर सबका अतुल आनंद होता है। इस प्रकार प्रभु बालक भाव से ही हरि संकीर्तन कर रहे हैं, करा रहे हैं। इसको कोई नहीं समझ रहा है कि बचपन से ही हरि संकीर्तन करा रहे हैं,
प्रभु क्या घर क्या बाहर हर जगह निरंतर दौड़ा दौड़ी करते हैं, घर में भी बाहर में भी, परम चंचल आपको कोई पकड़ नहीं पाता। प्रभु अकेले ही घर से बाहर चले जाते हैं और खील केला संदेश मिठाई विशेष जो कुछ देखते हैं बाहर मार्केट में वही मांगने लगते हैं। बाहर चले जाते हैं किसी घर से जो भी मिल जाए संदेश केला खील जो भी मिल गया लेकर आते हैं और प्रभु के परम मोहन रूप को देखकर जो उन्हें नहीं पहचानता वह भी उसी समय दे देता है जो मांगते हैं। सब लोग प्रभु को संदेश केला आदि दे देते हैं और प्रभु पाकर प्रसन्न मन से घर चले आते हैं लेकर, और जो स्त्रियां श्री हरिनाम का गान करती हैं उसको ला ला कर देते हैं। अच्छा तुमने हरिनाम लिया अभी लो तुमको नहीं दूंगा हरिनाम नहीं हरिनाम करो। बालक की ऐसी बुद्धि देखकर सब लोग हंसते हैं। इतना छोटा लेकिन कितना दिमाग है इसको, ऐसे ऐसे सोच रहे हैं सब लोग और लगातार हाथ में ताली बजा बजा कर श्री हरिनाम बोलने लगते तो और जाता है फास्ट काम करता है। अच्छा तुम भी बजा रही हो अब तुम्हारे लिए जा रहा हूँ लेके आने, फिर जाएगा लेके आएगा है ना। प्रभु क्या प्रातःकाल क्या दोपहर क्या संध्या क्या रात्रि सब समय निरंतर घर से बाहर जा रहे हैं, अब रात में भी ड्यूटी शुरू और आसपास जितने बंधु बांधव के घर हैं उनमें प्रतिदिन नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। कौन सी लीला? कौतुक से आप चोरी करते हैं, अब चोरी शुरू कर दिए हैं, घरों में जाकर किसी का दूध पी जाते हैं तो किसी का भात खा जाते हैं रात में, और जिसके घर में खाने को कुछ नहीं मिलता अगर चले गए घुस गए चोरी करने कुछ नहीं मिला तो उसकी हंडिया फोड़ देते हैं। जिसके घर में अकेला बच्चा अगर मिल गया और खाने को कुछ नहीं है बच्चा अकेला मिल गया तो उसको ऐसे चींटी काट के रुला देते हैं, और यदि किसी की दृष्टि में आ जाते हैं तो उसी समय भाग जाते हैं। और दैव योग से है क्या, दैव योग से अगर कोई पकड़ लेता है उनको अगर कोई पकड़ लेता है तो क्या करते हैं सुनिए। ए बार छाड़ मोरे नासिबुआर आर जदि चोरी करू दोहाई तुमार, बोले इस बार छोड़ दीजिए सर इस बार छोड़ दीजिए गलती हो गई आगे से नहीं आऊँगा चोरी करने, हैं पैर पकड़ लेते हैं ना इस बार छोड़ दीजिए दोबारा आऊँगा ना फिर आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि दोबारा मैं चोरी नहीं करूँगा। देखिया शिशुर बुद्धि सबे विस्मित रुष्ट नहीं के सबे करे ना पीत, इतना छोटा बालक कितना दिमाग है इसको, चोरी करने घुस जाता और कितना क्षमा मांग रहा है कैसे बोल रहा है उसको कोई गुस्सा नहीं होता, चोरी करते पकड़े जाने के बाद भी कोई गुस्सा सब उसने प्रीति करने लगते हैं बालक से, चोरी करने के बावजूद प्रीति कर रहे हैं, दैट इज स्पेशल। निज पुत्र है ते वो सब स्नेह करे दर्शन मात्र सर्व चित्त वृत्ति हारे ए मत रंग करे वैकुंठे राय सिर नाही कठाई बुलाए सदा। निज पुत्र लोग इतना प्रेम करते हैं उनसे मानो अपने पुत्र से भी अधिक, अपनी संतान से भी अधिक प्रेम कर रहे हैं लोग उनको, और सबके हृदय को दर्शन मात्र देकर चुरा लेते हैं, केवल दर्शन देकर सबके हृदय को चुरा लेते हैं। इस प्रकार वैकुंठ के ईश्वर वैकुंठनाथ हैं अपनी नाना प्रकार की लीलाओं को करते हुए नवदीप में भ्रमण कर रहे हैं। एक दिन प्रभुर देखिया दुई चोरे युक्ति करे कार शिशु बेड़ाए नगरे प्रभुर श्री अंगे देखी दिव्य अलंकार हरी बारे दुई चोर
चिंते परखान। एक दिन दो चोर, कौन दो चोर जो है जा रहे थे गली से और उन्हें अचानक देखा भगवान को। अरे किसका बच्चा है ये, और बड़ा अच्छा बात है कि अकेले घूम रहा है। ऐसे चोर बोल रहे हैं क्या, बहुत अच्छी बात है अकेले मिल गया है। तो दूसरा बोलता है जरा देखो ना उसके अंग पे देखो हैं कितने दिव्य गहने लगे हैं, कितने गहने लगे हैं देखो, कोई उपाय सोचो इसको चुराना है, इसको गहने चुरा लेंगे तो दोबारा चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाप बाप बोलिए का चोरे लैला कोले, ए तक क्षण कोठा छीले हर चोरा बोले। तो एक जो चोर है उसको बड़े प्यार से अपने गोद में हाथ से पकड़ के गोद में उठा लिया, बोला मेरे प्यारे बच्चे हैं तू इतने दिन से कहाँ था। कह रहा कि ए तो क्षण कोठा छीले, इतने दिन से कहाँ था तू। झाट घरे आई सा बाप बोले दुई चोरे, हसिया बोले न प्रभु चल जाई घरे। तो चोर बोल रहा बेटा इतने दिन से तू कहाँ था, हम तुम्ही को ढूंढ रहे थे, चलो चलो घर चलते हैं, घर चलते हैं चलो। तो भगवान मुस्कुराए और बोले हाँ हाँ चलो। क्या बोले, हाँ 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 चलो चलो चलो। आथे व्यथे गोले करी दुई चोरे धाय, लोके बोले जार शिशु लए जाय। तो दोनों चोर जो हैं बहुत तेजी से भाग रहे हैं भगवान को गोद में लेकर, और रास्ते में लोग देख रहे हैं कि ये बच्चे को उठा के ले जा रहे हैं दो चोर हैं। तो सोच रहे हैं कि अपने उठा के बच्चा बाहर निकल गया, उठा के इसके घर पहुंचाने जा रहे हैं, ऐसे सोच रहे हैं लोग। अर्बुदय अर्बुद लोक के बाकारे सीने, महातुष्ट चर चोर अलंकार दर्शने। तो मार्केट में लाखों लाखों लोग घूम रहे हैं, कौन किसको पहचाने कि कौन चोरी करके जा रहा है, किसको समझ में नहीं आ रहा था। और चोर भी बड़े संतुष्ट थे कि बड़ा मालदार पार्टी मिल गया है आज। आज तो मज़ा आ जाएगा, इतने गहने हैं इसके शरीर पर, दे आर वेरी सेटिस्फाइड। के हमने भावे मुई नीमु ताड़ बाला, एई माते दुई चोरे खाए मन कला। और दोनों आपस में बातें भी कर, देखो भाई दोनों मन में सोच रहे हो, एक वो सोच रहा है कि मैं इसके जो हाथों में जो कंगन लगा वो लूँगा मैं, तो दूसरा बोला नहीं है और मैं इसके गले में जो माला है ना वो लूँगा, ऐसे प्लानिंग भी चल रही है दोनों की। इस प्रकार से दोनों प्लान कर रहे हैं। दुई चोर चली जाए निज मर्म स्थाने, कंधे रहू परे हासी जाए भगवानी। फिर दोनों चोर भगवान को लेकर जा रहे हैं, और भगवान भी बड़े मुस्कुरा रहे हैं, कंधे पे बैठ के आराम से, चलो कुछ तो सेवा कर रहा है। कंधे पे बैठ के आराम से हंसते हुए जा रहे हैं, है ना। एक जन प्रभुरा संदेश दिया करे, आर जाने बोले आईला न घरे। तो एक चोर जो है भगवान को संदेश खिला रहा है, ये लीजिए संदेश खाइए बेटा। अब भगवान भी लेके खा रहे हैं, हाँ खिलाओ खिलाओ कोई बात नहीं, खिलाओ बस बेटा पहुँचने ही वाले हैं घर पे, है ना, बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे घर पे, हाँ हाँ कोई बात नहीं खिलाते रहिए।
এই মত ভান্ডিয়া অনেক দূরে যায় এথা যত আপ্ত গণ তাহিয়া বেদায়। इस प्रकार से चोरों ने भगवान को धोखा दिया और इस प्रकार से उनको जब लेके जा रहे थे तो पीछे से घर वालों को बताया, ये कहाँ गया बालक? घर पे चिंता, बालक आ नहीं, बाहर निकले देखने के लिए है ही नहीं, बहुत चिंतित हो गए, ढूंढने लगे। के हा बोले ऐसा ऐसा विश्वंभर के हा डाके निमाई करिया उच्च स्वर परम व्याकुल हैले सर्वजन जल बिना जे न होए मत्स्य जीवन। कोई कोई चिल्ला रहा है, हे विश्वंभर विश्वंभर आ जाओ, विश्वंभर आ जाओ। कोई कहता है निमाई निमाई, वो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, किधर हो निमाई? परम व्याकुल, बड़े व्याकुल होकर सब लोग ढूंढ रहे हैं। इस प्रकार मानो जल के बिना मछली तड़प रही है, तुलना किया गया है। कैसे? जैसे जल के बिना, जैसे मछली जैसे जल को ढूंढती है, जल से बाहर निकल भी वैसे सब लोग ढूंढ रहे हैं। सबे सर्व भावे लैला गोविंद शरण प्रभु लैया जाए चोरा अपन भवन वैष्णवी माया चोर पथे नाही चीने जगन्नाथ घर आइला निज घर ज्ञाने चोर देखे आइलाम निज मर्म स्थान अलंकार हरिते अइला सावधान। चोर बोले नाम बाप आइलाम घर प्रभु बोले हाय हाय नाम सतर जेखाने सकल गणे मिश्र जगन्नाथ विषाद भावे न सबे माथे दिया हाथ। सब पुकार रहे हैं, कोई कोई तो ऊंचे स्वर से निमाई निमाई बोल रहे हैं, सब लोग इस प्रकार परम व्याकुल होकर, जिस प्रकार जल बिना मछली का जीवन, सब लोग सब ओर से निराश होकर श्री गोविंद के शरण में आए। उधर चोर प्रभु को अपने घर ले जा रहे हैं, परंतु चोर विष्णु की माया से मोहित होने के कारण रास्ते को भूल गए हैं और इसीलिए अपना घर जानकर श्री जगन्नाथ मिश्र के घर पर ही आ गए। परंतु चोर समझ रहे हैं कि हम अपने अभिष्ठान पर पहुंच गए। पहुंचे कहाँ? जगन्नाथ मिश्र जी के घर पे पहुंच गए हैं विष्णु माया से मोहित होके, और सोच रहे हैं कि अपने घर पे पहुंच गए हैं। अपना घर जानकर श्री जगन्नाथ मिश्र के घर आ जाते हैं और विचार करते हैं कि अलंकारों को सावधानी से निकालना पड़ेगा। तब चोर बोलते हैं घर पे आके, हे वत्स उतरो, हम घर आ गए। प्रभु ने भी कहा हाँ हाँ शीघ्र उतारो। श्री जगन्नाथ मिश्र सब आत्मीय जनों के साथ माथे पर हाथ धर के जिस स्थान पर सुकातुर होकर बैठे हुए हैं, उसी स्थान पर माया मोहित चोरों ने अपना घर जानकर प्रभु को कंधे पर से उतारा। उतरते ही प्रभु पिता की गोदी में जाके बैठ गए। सब लोग परम आनंदित होकर हरी हरी बोलने लगे, सबको अकथनीय आनंद हुआ, मानो मृतक शरीर में प्राण आ गए हों। दोनों चोर देखते हैं कि यह तो हमारा घर नहीं है, अरे कहाँ आ गए? कुछ समझ में नहीं आता, हल्ला गुल्ला में कौन किसका ध्यान रखता है? अब बच्चा मिल गया, अब कौन लेके आए, इसे क्या मतलब है? सब लोग खुश हो गए। अवसर पाकर चोर चारों ओर देखकर डर के मारे भाग गए। पथ में दोनों चोर मन में विचार करते हैं, क्या विचार करते हैं? चोर का विचार सुनेंगे। परम अद्भुत दुई चोर माने गाने चोर बोले भेल की वा दिल को न जाने चंडी राखी ले नाजी बोले दुई चोरे सुस्त हई दुई चोर को
खोला खुली करे परमार्थे दुई चोर महाभाग्यवान नारायण जार स्कंधे करिला उत्थान यथा सर्वगण मन करे न विचार के अनिल देख वस्त्र सिरे बांधिता। पथ में दोनों चोर मन विचार करते हैं ये तो परम आश्चर्य की बात हुई, किसी ने जादू तो नहीं कर दिया था। दोनों चोर बोलते हैं आज चंडी देवी ने हमको बचाया है, बहुत पिटाई पिट जाते यार आज तो। फिर दोनों चोर प्रसन्न होकर परस्पर एक दूसरे का आलिंगन करते हैं, जान बच गई यार। परमार्थ पक्ष में दोनों चोर महाभाग्यवान हैं जिनके कंधों पर श्री नारायण ने आरोहण किया है। इधर सब आत्मीय जन मन में विचार करते हैं देखो बालों को कौन लेकर आया है, अब जब चले गए तब हैं लाओ उसके सिर पर सम्मान पूर्वक वस्त्र बांध दें। तो इतने सरल स्वभाव के हैं, कौन लेकर आया बेटे को, कौन ढूंढ के लाया। उनको नहीं लग रहा है कि चोर चोरी करके आओ तो खुश हैं, जो जो ढूंढो कौन लेके आया उसको सिर पे हम बंद है ना वस्त्र बांधेंगे, उसकी मतलब बड़ाई की बात है। कोई कोई कहने लगे कि हमने तो दो मनुष्यों को देखा है जो बालक को यहाँ छोड़कर न मालूम किधर चले गए। कोई भी यह नहीं कहता है कि मैं इस बालक को लाया हूँ। ऐसी अद्भुत बात देखकर सब चक्कर में पड़े हुए हैं, सब लोग पूछने लगे कि वत्स निमाई कहो तो तुम्हें कौन लाया, तुम उसे कहाँ मिले थे। प्रभु उत्तर देते हैं कि मैं तो गंगा तीर में गया था, रास्ता भूल कर नगर में फिरने लगा, उस समय दो आदमी मुझे गोदी में लेकर न मालूम किस रास्ते से यहाँ लेकर छोड़ गए हैं। वो भी नहीं बताई कोई चोरा के ले गया। कितने दयालु हैं भगवान। यार सब सुनकर सब लोग कहते हैं कि शास्त्र वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। पालक हैं कहते कि शास्त्र वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, बालक वृद्ध और अनाथ की स्वयं विधाता रक्षा करते हैं। सब लोग इसी भांति तरह तरह के विचार कर रहे हैं। श्री विष्णु माया से मोहित होने कारण तत्व वस्तु को कोई नहीं जानता है, हम लोग तो भाग्यशाली की जान रहे हैं है ना, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर जी बता रहे हैं। श्री वैकुंठनाथ प्रभु इस समय इस प्रकार रंगमयी अनेक लीला करते हैं, ये आप अपने को न जनावें तो उन्हें कौन जान, और अगर यदि वे अपने आप को न समझाएं जनावें तो उन्हें कौन जान सकता है। जो कोई प्रभु के को ये सब वेद निगूढ़ लीलाओं को श्रवण करेंगे, जो कोई भी व्यक्ति प्रभु की इन सब वेद से में भी निगूढ़ लीलाओं को श्रवण करेंगे, उनकी श्री चैतन्य चंद्र चरणारविंद में दृढ़ भक्ति लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार प्रभु श्री जगन्नाथ मिश्र के घर विराजमान हैं और अलक्षित रूप से बहुविध निज प्रकाश दिखा रहे हैं। तो एक दिन की घटना सुनिए, एक दिन की घटना, तो चोर की लीला होगी, अब एक बहुत सुंदर लीला है ये। एक दिन डाकी बोले मिश्र पुरंदर आमार पुस्तक आन भय विश्वम्भर पापेर बचन सूरी घरे धाई जाए रुनु झुनु करिए नुपुर बाजे पाए मिश्र बोले कोथा सुनी नुपुरे ध्वनी चतुर्दिक चाहे दुई ब्राह्मण ब्राह्मणी आमार पुत्रेर पाए नहीं तानुपुर कोठाए बाजिल वाद्य नुपुर मधुर अद्भुत दूर जाने मने मने गाए बचन ना सुरे दूरी
जाने रावदानी। पिताजी के एक दिन श्री जगन्नाथ मिश्र पुरंदर ने श्री प्रभु को बुलाकर कहा, वत्स विश्वंभर, जरा घर के अंदर से मेरी पुस्तक तो लेके आ जाओ। पिताजी के वचन सुनकर प्रभु घर की ओर दौड़कर जाते हैं और चरण कमलों में नूपुर रुंझुन करके बजने लगे। क्या बजने लगे? रुंझुन रुंझुन, चरण में नूपुर बजने लगे। श्री जगन्नाथ मिश्र बोले, अरे ये नूपुर की ध्वनि कहाँ से आ रही है? हमने तो इसको पहनाया नहीं नूपुर। दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी ऐसे कहकर चारों ओर देखने लगे। दोनों सोचते हैं कि हमारे पुत्र के पांव में तो नूपुर है ही नहीं, फिर यह नूपुर की ध्वनि, मधुर ध्वनि कहाँ से आई? दोनों जब मन ही मन विचार करते हैं कि कैसे आश्चर्य की बात है और दोनों के मुख से किसी प्रकार वाक्य स्फूर्ति नहीं होती है। प्रभु पुस्तक देकर खेलते खेलते चले जाते हैं। इधर माता पिता घर के भीतर जाकर और एक आश्चर्य देखते हैं। क्या देख रहे हैं? कि सब घर में अप्राकृत सुंदर चरणों के चिन्ह बने हुए हैं। जहाँ जहाँ घर में देखते हैं तो क्या बना हुआ है? चरण चिन्ह, और उसमें ध्वज, वज्र, अंकुश, पताका अलग अलग दिखाई देते हैं। ध्वज, अंकुश, पताका अलग अलग दिखाई दे। सब गृह देखे आप रूप पद चिन्ह, ध्वज वज्र पताका अंकुश भिन्न भिन्न, आनंदित दोहे देखी अपूर्व चरण, दोहे हैला पुलकित सजल नयन, पाद पद्म देखी दोहे करे नमस्कार, दोहे बोले निस्तरिन जन्म नाही आर। प्रभु पुस्तक देकर खेलने चले जाते हैं। इधर माता पिता घर के भीतर जाकर और एक आश्चर्य देखते हैं। घर में चरण चिन्ह है, उसमें ध्वज, पताका, वज्र, अंकुश सब चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। अपूर्व श्री चरण चिन्हों को देखकर दोनों जन आनंदित हो गए। दोनों के श्री अंग पुलकित हो गए एवं नयनों में अश्रु जल भर गए। दोनों ही श्री चरण चिन्हों को देखकर दंडवत प्रणाम करने लगे और कहने लगे, बस अब हमारा उद्धार हो गया, अब दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ऐसे सोच रहे हैं कि दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। फिर श्री जगन्नाथ मिश्र श्री सची देवी से बोलते हैं, हैं, हे विश्वरूप की माँ, क्या बोलते हैं? हे विश्वरूप की माँ, सुनो, तुम जाकर घी मिलाकर परम अन्न खीर की रसोई बनाओ। घर में जो दामोदर सालिग्राम जी हैं, प्रातः उनको पंचगव्य पंचामृत आदि से स्नान अभिषेक कराऊंगा। मैंने समझ लिया कि रात में वही शयन घर में फिरा करते हैं। क्या सोच रहे हैं? कि हमारे घर में जो दामोदर की जो शिला है ना, लगता है रात में वही घूम रहे हैं घर में। बात तो सही है। इसी कारण लगता है नूपुर की ध्वनि सुनाई देती है। दामोदर घर में घूम रहे हैं, उनके हमारे बेटे के तो चरण में नूपुर है नहीं, तो दामोदर के वाला चरण का नूपुर, और देखो चिन्ह भी देखो यहाँ है। कल तो अब स्नान अभिषेक कराएंगे कल इनको। इस प्रकार दोनों परम प्रसन्नता से श्री शालिग्राम की पूजा करते हैं। यह देखकर प्रभु मन ही मन में हंसते हैं। हैं? कौन? निमाई मन में हंस रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलो करो। और एक उस परम अद्भुत कथा को सुनिए जो श्री जगन्नाथ नंदन ने परम विलक्षण रंग से किया है। एक बहुत सुंदर कथा, बहुत अद्भुत कथा है।
है ना, जो क्या किया भगवान ने किया, बहुत अद्भुत कथा सुनना चाहते हैं जी? ओके। और एक कथा सुन परम अद्भुत, ए रंग करिला प्रभु जगन्नाथ सुत, परम सुकृत एक सर्थिक ब्राह्मण, कृष्ण रऊदेश करे तीर्थ पर्यटन, सदक्षर गोपाल मंत्रे करे उपासना, गोपाल नैवेद्य बिनु न करे भोजन, दैवे भाग्यवान तीर्थ भ्रमिते भ्रमिते, आसियामि बिना विप्र प्रभु रवानीते, कंठे बाल गोपाल भूषण साली ग्राम, परम ब्रह्मण्य तेज अति अनुपाम, निरवधि मुखे विप्र कृष्ण कृष्ण बोले, अंतरे गोविंद रसे दुई चक्षु डुले, देखी जगन्नाथ मिश्र तेज से तहारा, संभ्रमे उठिया करी लेना नमस्कार। तो बहुत सुंदर कथा है, सुनिए ध्यान से। तो ये एक और उस परम अद्भुत कथा को सुनिए, श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं, जो श्री जगन्नाथ नंदन ने परम विलक्षण रंग से किया, एक परम पुण्यशाली तैर्थिक, तैर्थिक मतलब तीर्थ में भ्रमण करने वाला ब्राह्मण, श्री कृष्ण प्रीति की कामना कर तीर्थ पर्यटन किया करते थे। एक ब्राह्मण थे जो तीर्थ पर्यटन की इच्छा को लेकर घूमते थे। तो एक दिन वो ब्राह्मण जो है वो पड़क षड अक्षर छह अक्षरों वाला श्री गोपाल मंत्र के द्वारा श्री भगवान की उपासना करते थे। छह अक्षर वाले गोपाल मंत्र के द्वारा भगवान की उपासना करते थे और श्री गोपाल जी को भोग लगाए बिना कोई वस्तु भोजन नहीं करते थे, ये उनकी प्रतिज्ञा थी। तो फेसबुक का माइक डायरेक्ट डालना था तो उसे आपके पास ही है, मैं इसको डायरेक्ट नहीं लगा रहा हूँ, आवाज नहीं आती ना? नहीं नहीं, जब करताल का माइक डायरेक्ट था तो करताल के बस बहुत तेज आती है। ओके ओके, मैसेज आता है। ओके ओके, थैंक यू फीडबैक के लिए, सही समय पे आपने बता दिया है ना। तो आप सदक्षर श्री गोपाल मंत्र का जाप करते थे ब्राह्मण, और भगवान को निवेदित किए बिना कोई वस्तु भोजन नहीं करते थे। तो दैव योग से एक दिन वह भाग्यवान ब्राह्मण तीर्थ भ्रमण करते करते जगन्नाथ मिश्र के घर आ पहुँचे। आपके कंठ में भूषण स्वरूप श्री बाल गोपाल शालिग्राम जी विराजमान है। कंठ में, गले में जो झोला लटका रहता था उसी में बाल गोपाल की शालिग्राम शिला विराजमान थी, और ब्राह्मण परम ब्रह्मण्य तेजधारी था, अत्यंत अनुपम मूर्ति थी उनकी, रूप बड़ा अनुपम था। हमेशा मुख से कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं और हृदय के अंदर गोविंद रस से भरपूर हैं। अतिथि व्यापार धर्म जे न मत है, सब करी लेना जगन्नाथ महाशय। अतिथि को किस तरह से स्वागत करना है, जो धर्म बताया गया शास्त्रों के अनुसार, उस धर्म के अतिथि धर्म के अनुसार श्री जगन्नाथ मिश्र ने उनका स्वागत किया। आपने करिया तार पाद प्रक्षालन, बसिते दिले नानी उत्तम आसन।
तो क्या है तिथि संस्कार, क्या बताता है कि जब कोई संत हमारे घर आता है तो सबसे पहले उसका पाद प्रक्षालन करना चाहिए। तो इसलिए जगन्नाथ मिश्र ने उसकी उसी रीति के अनुसार सबसे पहले उस ब्राह्मण का पाद प्रक्षालन किया, उसके बाद बैठने के लिए बड़ा उत्तम आसन दिया। सुस्ताई बसी लेना अधि भी प्रवारा तबेता ने मिश्र जिया या को धागा। जब बैठ गए, आराम से बैठ गए जब ब्राह्मण विप्र ब्राह्मण, तब जगन्नाथ मिश्र जो है उनसे सामने बैठकर नीचे बैठकर और जिज्ञासा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं सुनिए, पूछ रहे हैं कि आपका घर कहाँ है ब्राह्मण देव। विप्र बोले आमी उदा सीन देशांतरी चित्रे रिछे पे मात्र पर्यटन करी प्रणति करिया मिश्र बोले न बचन जगतेरा भाग्य से तुम्हारा पर्यटन विशेष ते आजी आमार परम सौभाग आज्ञा देह रंधनेर करी गिया कार्य। तो कहते हैं हैं क्या करें, कह रहे हैं कि जी आपका घर कहाँ है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, हैं? तो कहते हैं कि आप ही अपने हाथों से उसका उनका पाद प्रक्षालन किया। जस्ट ए मिनट, कहते हैं कि आपने करिया तार पाद प्रक्षालन, कि जगन्नाथ मिश्र ने उनके चरण कमलों को धोया और उनको बैठने के लिए आसन दिया और फिर पूछे आप कहाँ, आपका घर कहाँ है। ब्राह्मण बोला आमी उदासीन देशांतरी, मैं तो सन्यासी हूँ, मेरा कोई घर नहीं है और मैं एक देश से दूसरे देश तक भ्रमण करते रहता हूँ। चित्र विक्षेपे मात्र पर्यटन करी, मेरा मन जो है वो बड़ा ही रेस्टलेस है, विक्षिप्त मन है मेरा, इसीलिए मैं घूमता रहता हूँ इधर उधर, पागल हूँ। क्या बोला, दिमाग मेरा थोड़ा पागल है इसलिए मैं घूमता रहता हूँ। प्रणति करिया मिश्र बोले न बचन जगतेरा भाग्य से तुम्हारा पर्यटन। प्रणाम करिए, प्रणाम किया जगन्नाथ मिश्र जी ने और बोले, वचन बोले कि हे ब्राह्मण देव, आप ऐसा मत बोलिए कि आप विक्षिप्त हैं, संसार के सौभाग्य का उदय करने के लिए ही आप संसार में भ्रमण करते हैं। विशेषत आजी आमर परम सौभाग्य आज्ञा देह रांधिनेर करिगी कार्य। ले आज विशेष रूप से आज मेरा परम सौभाग्य हुआ कि आप मेरे घर पधारे, आप आज्ञा दीजिए कि मैं आपके लिए कुकिंग करूं, कुकिंग की व्यवस्था करूं। आप भोजन तो करेंगे ना, तो भोजन की व्यवस्था करने का आज्ञा दीजिए। विप्र बोले कर मिश्र जे इच्छा तुमार हरि से करिला मिश्र दिव्य उपहार रंधने रस्थान उपस करी भाल मते दिले न सकल सजा रंधना करी ते। ब्राह्मण बोले ठीक है, आपकी जो इच्छा जो चीज समझे वैसा कीजिए। फिर जगन्नाथ मिश्र ने सारी बहुत सुंदर सुंदर स्वादिष्ट वस्तुओं को इकट्ठा किया और लाकर उनको दे दिया। जगन्नाथ मिश्र और शशि देवी
ने बहुत अच्छे से किचन को क्लीन किया, साफ सफाई किया और सारी इंग्रेडिएंट सारा सामान वहाँ रख दिया, क्योंकि संत थे, कुकिंग खुद करेंगे, है ना, खुद कुकिंग करके खाएंगे, पकाया हुआ नहीं खाते थे, है ना, किसी का खुद बनाते थे, भोग लगाते थे। संतोषे ब्राह्मण बर करिया रंधना, बसिले न कृष्ण रे करिते निवेदना। कुकिंग कर दिया, अब भोग लगाने के लिए तैयारी की है, कृष्ण के सामने बैठ गए, शालिग्राम शिला थी गले में गोपाल जी की, उनको सामने रख के और भोग लगाने बैठ गए। तो भोग लगाने के लिए गायत्री ऐसे करते हैं ना, अब देखिए लीला हो गई, यहाँ क्या लीला हो गई, ध्यान सुनिएगा, है ना। सर्वभूत अंतर्यामी त्रिसचिनंदन, मने आछे विप्रेरे दिवे न दर्शन, ध्यान मात्र करिते लागिला विप्रव, सम्मुखे आइला प्रभु श्री गौर सुंदर। अब इधर ये ध्यान लगा रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेव जो भी मंत्र कर रहे हैं अपने, और उधर भगवान जो है अंतर्यामी है, हैं, हमारे घर में ही आया, मेरा ही ध्यान कर रहा है, अंतर्यामी है, समझ गए, मन में सोच रहे हैं आज इसको दर्शन दे के ही रहूँगा मैं, है ना। तो उधर ध्यान कर रहा है विप्रवर, और ध्यान कर रहा है ऐसे आँख बंद कर ध्यान कर रहा है ब्राह्मण, और सामने पहुँच गए, है ना, छोटे बालक हैं, पहुँच गए वहाँ जाके। धूला माया सर्वांग मूर्ति दिगंबर, अरुण नयन कर चरण सुंदर। पूरा शरीर में धूल लगा हुआ है, धूल दूसरी तक एकदम, खेल के बाहर से आंगन से लोटपोट करके आए हैं, हैं, और मूर्ति पूरा दिगंबर, दिगंबर मतलब पूरे नंगे, कोई कपड़ा नहीं है शरीर पर, अरुण नयन, नयन कैसा है, अरुण के समान, अरुण मतलब जो सुबह सुबह की लालिमा जो होती है सूर्य की, उस रंग का नयन, और कर और चरण, हाथ और चरण दोनों जो हैं वो बड़े सुंदर, नेगेट थे ही। हसिया भी प्रेरण लैया श्री करे, एक ग्रास खाई लेना देखे भी प्रवरे, हाय हाय करी भाग्य वंत्र भी प्रडाके, अन्न चोरी करी लेका चंचल बालके। हम भगवान क्या किए, कौतुकी है ही भगवान वो ध्यान लगा रहे, तभी हाथ डाल दिए उसके भोग में, भोग लगा रहे सामने, डाल दिए, डाल के मुंह में खा लिए। अब वो ब्राह्मण आँख खुला, हाय 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 करने लगा, ये देखो बालक, नटखट बालक, इसने मेरा भोग जो है जूठा कर दिया, जूठा कर दिया भोग, ये बालक है, क्या हो गया ये, और चुरा लिया मेरा भात जो बनाया था मैंने, चुरा लिया इसने। हसिया देखे न जग नाथ मिश्र बर, भात खाए हासे प्रभु श्री गौर सुंदर, क्रोधे मिश्र धाइया जाए न मारी बारे, संभ्रमे उठिया विप्र धरिले न करे। नाथ मिश्र वहाँ आए आवाज सुनकर, और श्री गौर सुंदर मुस्कुरा रहे थे खाते हुए, मुझे लगा खा भी रहे हैं मुस्कुरा भी रहे हैं, हैं। जगन्नाथ मिश्र को बहुत गुस्सा आया, अरे ये क्या कर दिया इसने, ब्राह्मण देव को अब क्रोधित कर दिया इसने, मेरे बालक ने, हैं, और उठे बहुत, हैं, और दौड़े मारने के लिए, तो निमाही तो भाग चला वहाँ से दौड़े मारने के लिए, मारूंगा तेरे को, पीटूंगा आज, बहुत नटखट हो गया है, हैं। तो ब्राह्मण ने हाथ पकड़ लिया, नहीं नहीं मारिए मत, मारी मत, बच्चा है। विप्र बोले मिश्रा तुम
बल देखी आर्य कौन ज्ञान बाल केर मरिया की कार्य। बोले मिश्र, हे मिश्र जी आप तो सब कुछ जानते हो, अरे बालक को मारने से क्या होगा, यह ज्ञानी है। बोले यह ज्ञानी इसको क्या पता, इसको क्या पता है, यह ज्ञानी बालक है, आप इसको मार के क्या मिलेगा आपको। भालो मंद ज्ञान जार आके मारी तारे अमर सुपथ जदी मार उहारे। कहते कि अरे मार पीट का असर उस पर होता है जिसको बुद्धि होती है, हैं? जिसको बुद्धि होती है उसको मार पीटेंगे तो थोड़ा लगेगा कि हाँ भाई किस कारण से मेरे को मारा गया है, ये तो बालक है, इसको तो बुद्धि है ही नहीं, इसको आप मारेंगे भी तो समझ में नहीं आया क्यों मार रहे हैं इसको, है ना, इसलिए आप इसको मारिए मत। दुखे बसी लेन मिश्र हस्त दिया सीरे माथा नाही तोले मिश्र वचन ना सुरे। बड़े दुखी होकर वहीं बैठ गए, सिर पे हाथ देके, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं इस बालक का, इतना बदमाश हो गया है, कुछ आवाज भी नहीं, क्या बोलूं अब मैं, है ना। विप्र बोले मिश्र दुख न भावी हमने जे दिने हबे ताहा ईश्वरे से जाने फल मूल आदि गृह जे थाके तोमार आनि देह आजि ताहा करीब आहार। ब्राह्मण हे मिश्र, जगन्नाथ मिश्र आप दुख मत कीजिए, शोक मत कीजिए, आज हमारी किस्मत ही ऐसी है, आज जो होना है वही होता है ईश्वर की इच्छा से, इसलिए किस दिन किसके साथ क्या होगा ये तो ईश्वर ही जानते हैं, इसलिए जो भगवान ने मेरे लिए आज निर्धारित किया वही मैं खाऊंगा। अब छोड़िए आपको, जो भी आपके घर में फल मूल सब जो भी है, फल फूल हैं, मूल रूट गाजर मूली जो भी है वही ला दीजिए, उसी वही आज पाकर मैं रह जाऊंगा, कोई जरूरत नहीं है चिंता करने की, दुख मत कीजिए। मिश्र बोले मोरे जदी आके भृत ज्ञान आर बार पाक कर करी दे स्थान गृहे आछे रंधनेर सकल समार पुनः पाक कर तबे संतोष आमार। मिश्र बोले मोरे यदि थाके भृत्य जन, अगर आप सही में जान मानते हैं कि मैं आपका सही सच्चा सेवक हूँ तो आपसे प्रार्थना है कि दोबारा आप कुकिंग कीजिए, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा कि आप मेरे घर में आगे रुकें और कंदमूल फल खा के रह रहे हैं और हम लोग फूल फूल भोजन करेंगे, है ना, आप दोबारा कुकिंग कीजिए, है ना, मैं सारी व्यवस्था करता हूँ सामान की, हैं, फिर से प्लीज, तभी मेरे को संतोष होगा, नहीं तो संतोष नहीं होगा। बोली ते लागिला जत इष्ट बंधु गण आमा सब चाही तबे रह रंधन। इस प्रकार से विप्र बोले, है ना, बोली ते लागिला तबे इष्ट बंधु गण आमा सब चाहे तबे कर हरंदन। विप्र बोले जे इच्छा तोमा सभाकार करीब रंधन सर्वथाय पुनर्वार हरि से हईल विप्रेर बचने तन उपस करी लेना तबे तत छाने रंधनेर सजानी दिले न तुरीते चलिले न विप्रवर रंधन करीते सभे ई बोले न शिशु परम चंचल हर बार पाछे नष्ट करे सकल रंधन भोजन विप्र करे न जावत हर बार
गाड़ी लाए शिशुरा कहता तबे सची देवी पुत्र कोलेता करिया चली ले नार बाड़ी प्रभु रालैया। विप्रवर के इतना कहने पर श्री जगन्नाथ मिश्र दुखी होकर सिर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। आप न तो सिर ही ऊपर उठाते हैं न कुछ बोलते हैं। यह देखकर ब्राह्मण बोले, हे श्री मिश्रवर, आप मन में दुखी मत कीजिए, दुख मत कीजिए मन में। जिस दिन जो बात होने वाली है उसे केवल ईश्वर ही जानते हैं। फल मूल आदि जो कुछ तुम्हारे घर में हो लाओ, वही दे दो, आज मैं वही हार करूँगा। मिश्र कहते हैं, यदि आप मुझे अपना दास समझते हो तो दोबारा रसोई कीजिए, मैं आज अभी स्थान संस्कार करवा देता हूँ। रसोई करने की सब सामग्री घर मौजूद है, आप जब दोबारा रसोई करेंगे तभी हमको संतुष्ट होगा। उसी समय इष्ट बंधु बांधवगण भी कहने लगे, हाँ हाँ, इसीलिए हम सब की ओर देखकर पुनर्वार रंधन कीजिए। विप्र और उत्तर देते हैं, जैसे तुम लोगों की इच्छा है वही होगा, मैं निश्चय ही दोबारा रसोई करूँगा। विप्रवर की इस बात को सुनकर सब लोग प्रसन्न हुए और तुरंत स्थान संस्कार कर दिया। शीघ्र ही रसोई करने की वस्तुएं लाकर दे दी। विप्र रसोई के लिए चल दिए। सब लोग कहने लगे, यह बालक बड़ा चंचल है, कहीं फिर सब नष्ट ना कर दे। नहीं, बड़ा चंचल है, इसको कहीं दोबारा ऐसा गड़बड़ ना कर दे। इसलिए जब तक ब्राह्मण रसोई एवं भोजन ना कर लें तब तक इसे लेकर किसी दूसरे घर में रख दीजिए। ये प्लानिंग होगा कि दोबारा इसका कोई भरोसा नहीं है, फिर से जाके हाथ लगा देगा। तो जब तक सारा काम खत्म नहीं हो जाता तब तक दूसरे पड़ोसी के घर में ले जाकर इसको रखते हैं। यह सुनकर श्री शची देवी पुत्र को गोदी में लेकर एक दूसरे घर में चली गई, है ना। वहाँ सब स्त्रीगण चारों तरफ प्रभु को घेर लेती हैं और कहती हैं, क्यों रे निमाई, क्या इस प्रकार से किसी दूसरे ब्राह्मण का अन्न कोई खाया करता है। प्रभु श्री गौरचंद्र मुख से हंसते हुए उत्तर देते हैं, इसमें मेरा क्या दोष है, स्वयं ब्राह्मण ने ही मुझे बुलाया था। फिर सब स्त्रियां कहती हैं, अरे अरे ढोंगी निमाई, हैं बतलाओ, हैं अब क्या करेगा, हैं अब क्या करेगा, तू बताओ, इस प्रकार से निमाई से पूछ रही है ना जस्ट कि क्या करेगा बताओ। हसिया कहे न प्रभु आमी ए गोपाल, ब्राह्मणेर अन्न कामी खाई सर्वकाल। सबे ई बोले न होए निमाई धांगाती, की करीबे एबे तुमार गेल जाती। कोथाकार ब्राह्मण कोन कुल के बाचिने, तार भात खाई जाती राखीबो के माने। सच बोला, अरे अरे धोखा धोखा देने वाला निमाई, हैं अब तू क्या करेगा, तेरा जाति नष्ट हो गया है। किसको पता है कि ब्राह्मण किस जाति का है, हैं किस घर से है। आपने तुमने उसका उसके घर का अन्न खा लिया है तो तुम अपने जाति को कैसे बना के रखोगे। हो सकता है किसी दूसरे जाति का हो ब्राह्मण। तो हसिया कहे ना प्रभु, बोलते हैं, अरे तुम लोग को पता नहीं है, तुम लोग सोचते हो मैं ब्राह्मण जाति, मैं तो ग्वाला हूँ, मैं ग्वाला हूँ और हमेशा ब्राह्मण का अन्न खाता हूँ। तुम लोग को पता नहीं है मैं ग्वाला हूँ, आमी जे गोपाल हैं ग्वाला हैं। बोल रहे हैं कि ब्राह्मण बताओ, ब्राह्मणेरा अन्न की गोपेर जाती जाए, ये तो बोली हसिया सवारे प्रभु जाए।
बोले अच्छा बताओ, तुम लोग बताओ, तुम लोग उल्टा बात कर रही हो, ब्राह्मण का अन्न खाने से ग्वाले का जाति कैसे नष्ट होगा? ब्राह्मण तो ऊंचा जाति का है, मैं ग्वाला हूँ तो मेरा तो जाति नष्ट नहीं होगा, बल्कि उल्टे ग्वाले को तो ब्राह्मण के घर खा सकता है। ये तो बोली हासिया सबारे प्रभु चाहे सेंग दिस, भगवत सब पर देखते हुए हंसने लगे। चले निज तत्व प्रभु करे न व्याख्यान, तथापि ना बुझे के नो हे न मायतान। इस प्रकार से भगवान प्रकट कर रहे हैं अपने सत्य को, लेकिन कोई समझ में नहीं आ रही क्या बोल रहे हैं। है तो भगवान ग्वाले ही है ना, भगवान कृष्ण के अवतार हैं। सबे ही हासे न सुनी प्रभु र वचन, प्रभु के वचन को सुनकर सब लोग हंस रहे हैं। क्या अद्भुत बालक, क्या क्या बोलता रहता है समझ में नहीं आता। ग्वाला कैसे है, क्या समझ, ग्वाला बोल रहा है अपने आप को, क्या बोल रहा है। वक्ष हईते एड़ीते कहारो नाही मन, और इतना सुंदर लगता है बच्चा कि कोई अपने गोद से उसको उतारना नहीं चाहता, हमेशा गोद में लेकर खिलाना चाहते हैं सब लोग। हासी आ जाए न प्रभु ये जनार कोले, से जना आनंद सागर माझे बोले। हंसते हुए प्रभु जिसके गोद में जाके बैठ जाते हैं वो व्यक्ति आनंद के समुद्र में डूबने लगता है। से भी पुनर्बार करिया रंधन, अब ब्राह्मण इधर दूसरी दोबारा रसोई बनाया और लागे लेना वसिया करीते निवेदन, फिर बैठ के अपना वैसे गायत्री एकदम सेट करके बैठ गया निवेदन को भोग लगाने के लिए। ध्यान बाल गोपाल भावे न विप्रभर, जानी ले न गौर चंद्र चितर ईश्वर। इधर ध्यान लगा रहा है बाल गोपाल का, और उधर भगवान गौर सुंदर, तुरंत उनको पता चल गया अंतर्यामी भगवान मेरे फिर बुला रहा है। अब भक्त बुलाए भगवान को, भगवान नहीं आए हो सकता है। मोहिया सकल लोक अति अलक्षिते, आइले न विप्रस्थाने हसीते हसीते। अब सब लोग रखवाली कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, कैसे किस तरह से किसको धोखा दिए घुमाए और भगवान प्रकट हो गए आगे, वहाँ फिर से दोबारा बालक आ गया, अब आगे सामने खड़े होके हंसने लगे। अलक्षित एक मुष्टि अनलैया करे, खाइया चलीला प्रभु देखे भी प्रभारे। कोई देख नहीं पाया, धड़ाम से पता नहीं किधर से आके खड़े हो गए, और फटाक सी से पहले ही कोई समझ पाए, हाथ में उठा के चावल और मुँह डाल दिए फिर से दोबारा। हाय हाय करिया उठिला विप्रवर, ठाकुर खाइया भात दिलाए करण। अब ब्राह्मण हाय हाय करने लगा, अब भगवान तुम करते रहो हाय, मैं खा के भाग गए वहां से। संभ्रमे उठिया मिश्र हाथे बाड़ी लैया, क्रोधे ठाकुरे रे लैया जाए धोआइया। जगन्नाथ मिश्र जी खड़े हुए, क्या हुआ क्या हुआ, अरे क्या बताऊं दोबारा खा गया। जगन्नाथ मिश्र बड़े क्रोध में आ गए, हाथ में डंडा लेकर दौड़े पीछे मारने के लिए, आज छोड़ूंगा नहीं तेरे को, बहुत मारू, बड़ा बदमाश हो गया है। महाभाग्य प्रभु पलाइला एक घरे, क्रोधे मिश्र पाछे थाकी तरजगरी जकरे, तरजगर्ज करे। भागते हुए भगवान जाके किसी घर में घुस गए, और पीछे से क्रोध से जाके बहुत गुस्से में चिल्ला रहे हैं। मिश्र बोले आजी देख करो न तोर कार्य, तोर मते परमय बोध आमी आर्य।
आज तेरे को तो देखता रहा, आज तेरे क्या हल करता हूँ मैं। अरे तू, मैं मूर्ख हूँ, तू मुझे मूर्ख समझता है, हैं मेरा आर्य धर्म नष्ट कर रहा है तू। हे नमो चोर शिशु कार घरे आछे, हु हैज सच ए ग्रेट थीफ फॉर ए सन। ये तो बलि क्रोधे मिश्र धाये प्रभु पाछे, तुम और कौन है जो तेरे जैसा चोर जिस बेटा जिसके घर में जन्म लिया, ऐसे बोल रहे हैं पीछे दौड़ते हुए भाग, भगवान भाग रहे हैं आगे पीछे दौड़ रहे हैं, तेरे जैसा चोर बेटा और किसके घर जन्म लेगा। सबे धरी लेना जत्न करिया मिश्र रे, मिश्र बोले एड़ आजी मारी मुहारे। हैं सब लोग जाके पकड़ रहे, छोड़िए, अरे मिश्र जी इतना गुस्सा मत कीजिए, ले आज छोड़ दीजिए आप लोग, आज इसको पीट के रहूँगा मैं। सबे ही बोले ना मिश्र तुम्ही तो उदार, उहारे मारिया को न सुधत्व तुम्हार। बोले हे मिश्र जी आप तो बड़े दयालु हैं, अरे ये बालक है, इसको बुद्धि थोड़े ना है, उसको मारने से क्या फायदा होगा। भाल मंद ज्ञान नहीं उहार शरीरे, परम अबोध जे मन शिशु मारे। अरे उसको तो ज्ञान नहीं है, वो तो अज्ञानी बालक है, हैं? और आप जब उस अज्ञानी को मारोगे तो आप उससे भी ज़्यादा बड़े अज्ञानी माने जाओगे। अज्ञानी को जो मारता है वो महाअज्ञानी है, हैं? मारी ले को न बासी खीवे है न नाय। अरे मारने से क्या बच्चा सीख जाएगा, हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे को मारने से शिक्षा नहीं मिलती है। स्वभाव ही शिशुर चंचल मति होय। अरे बालक का तो स्वभाव ही है चंचल होता है, अब क्या आप इतना गंभीर से मत लीजिए। आथे व्यथे आसी से ही तैर्थिक ब्राह्मण, मिश्रे र धरिया हाथ बोले न बचन। उसी समय जो ब्राह्मण था वो पीछे से आया दौड़ते हुए, आकर उनका हाथ पकड़ लिया जगन्नाथ मिश्र का और कहा, बालकेर नाही दोष सुन मिश्र राय। हे राय मिश्र जी, अरे बालक का दोष नहीं है, वो तो अज्ञानी है। अरे वास्तव में जे दीने जे हबे तहाँ हई बारे चाय। बालक को दोष मत दीजिए, जिस दिन जो जिसके साथ होने वाला है वो तो होता ही है। हम बिना मतलब का एक दूसरे को दोष देते हैं, ईश्वर की इच्छा से जिसके साथ जिस दिन जो होना है वो तो होता ही है। आजी कृष्ण अन्न नहीं लिखे ना हमारे, आज भगवान कृष्ण ने मेरी किस्मत में अन्न नहीं लिखा है, आप इस बात को समझते क्यों नहीं है। सभी यही मर्म कथा कही तुम्हारे, मैं अपने रियलाइजेशन से आपको बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल रियलाइजेशन से ऐसा लग रहा है अंदर से आ रहा है कि आज मेरे भाग में कृष्ण अन्न लिखा ही नहीं है। दुखे जगन्नाथ मिश्र नहीं तोले मुख, जगन्नाथ मिश्र सिर नहीं उठा पा रहे हैं, इतना दुख है। माथ हेता करिया भावे न मने दुख, सिर पर हाथ रख कर जमीन पे देखते हुए बड़े दुखी हैं, कितना नालायक बेटा जन्म ले लिया। हे ना ही समय विश्वरूप भगवान, उसी समय विश्वरूप आ गए बड़ा भाई। से स्थाने आई लेना महाज्योतिर्धाम, वहाँ पर आकर सर्व अंगे निरूपम लावन जेर जेर सीमा, चतुर्दश भुवने नाही का उपमा। इतने सुंदर रूप है विश्वरूप का, इतना सुंदर रूप है, हैं वहाँ प्रकट हो गए। स्कंधे जाए सूत्र ब्रह्म तेज मूर्ति मानता, मूर्ति भेद जन्मिला अपनी नित्यानंद। उनके गले में ऐसे गर्दन में ब्राह्मण थ्रेड लटका हुआ है और चेहरे से ब्राह्मण का एफलजेंस निकल रहा है और लग रहा है मानो डायरेक्ट भगवान नित्यानंद आ गए वहाँ। सर्व शास्त्रे अर्थ सदा सुराए जीवाए, कृष्ण भक्ति व्याख्या मात्र करे सदा। तो इस प्रकार से हमेशा शास्त्र में पारंगत थे, उनके मुख से हमेशा कृष्ण भक्ति की व्याख्या निकलती रहती थी और बात करने में बड़े परम हैं चतुर थे। तो क्या किया उन्होंने, उन्होंने फिर इस प्रकार से वचन कहा।
कहते हैं कि मूर्तिमंत ब्रह्म तेज स्वरूप आपके स्कंद देश में यज्ञ पवित्र शोभित है। आप श्रीमन नित्यानंद प्रभु की दूसरी मूर्ति धारण करके श्री जगन्नाथ मिश्र के गृह में जन्म लिए हैं। आपके जीवा पर सर्वशास्त्रों के अर्थ निरंतर स्फूर्ति पाते हैं। आप सदैव केवल श्री कृष्ण की व्याख्या करते हैं। आपकी अपूर्व मूर्ति को दर्शन कर यह वैश्विक विप्रवर मोहित होकर बार बार टकटकी लगाकर देखता है। विश्वरूप उसको ध्यान से देखने लगा। विप्रवर कहते हैं, पूछते हैं, ये महाशय किसके पुत्र हैं? लोग उत्तर देते हैं, यह इन्हीं में श्री मिश्र जी के पुत्र हैं। सुनकर विप्रवर प्रसन्न चित्त होकर श्री विश्वरूप का आलिंगन किए और कहने लगे, यह माता पिता धन्य हैं जिनका आप जैसा पुत्र है। श्री विश्वरूप जी ने विप्र को नमस्कार किया और बैठकर अमृत की धारा जैसी मीठी बातें करने लगे। श्री विप्रवर जी कहते थे, महात्मन, विश्वरूप जी कहते हैं कि महात्मन, आप जैसे अतिथि जिसके घर आकर ठहरे उसके शुभ दिन का उदय और महाभाग्य का उदय समझना चाहिए। आप जैसे महानुभावी का पर्यटन संसार को पवित्र करने के लिए होता है। आप आत्मानंद से पूर्ण होकर भ्रमण करते हैं। आप जैसे हमारे अतिथि हैं यह हमारा परम सौभाग्य है। परंतु दुर्भाग्य को भी क्या कहूँ कि आप निराहार रह रहे हैं। आप जिसके घर बिना भोजन किए रहेंगे उसका सर्व प्रकार से अमंगल फल ही लाभ होता है। आपके दर्शन से तो मैं बड़ा आनंदित हुआ हूँ, परंतु यह सब वृतांत सुनकर बड़ा ही दुख पा रहा हूँ। अब भी प्रवर कहते हैं, पत्स, तुम मेरे मन में कुछ भी दुख मत करो। मैं फल मूल आदि का भोजन कर लूँगा। मैं तो वनवासी हूँ, मुझे वहाँ अन्न कहाँ से मिलता है? मैं तो वैसे भी फल ही खाता हूँ। मैं तो वन में रहता हूँ और प्रायः फल मूल मात्र ही खाया करता हूँ। कदाचित किसी किसी दिन अन्न भी खा लेता हूँ। यह भी यदि निर्भीक रूप से मिल जाए तो तुम्हारे दर्शन करके जो आनंद मैंने पाया है उसी में ही मैं कोटि कोटि भोजन कर चुका। फल मूल एवं नैवेद्य आदि जो कुछ घर में हो जाकर ले आओ, आज वही भोजन करूँगा। श्री जगन्नाथ मिश्र कुछ बोलते नहीं हैं और आप दोनों हाथ सिर पर रख कर मन में विषादित हो रहे हैं। अब भी विश्वरूप भगवान कहते हैं कि कहने में डर लगता है, हे महाशय जी, आप सहज में ही करुणा के साकर हो। साधुजन स्वभाव से ही दूसरों के दुख में दुखी होते हैं और सदैव दूसरों का आनंद बढ़ाया करते हैं। अतः आप यदि आलस्य त्याग कर रसोई बनाकर श्री कृष्ण को भोग लगाएं तो हमारी आत्मीय जन का सब दुख चला जाएगा, हम सब परम सुखी हो जाएंगे। विप्र उत्तर देते हैं, मैंने दो बार रसोई बना दिया, तभी श्री कृष्ण की इच्छा से मुझको खाने को नहीं मिला। इससे मालूम होता है कि आज भाग्य में भोजन नहीं लिखा है। जब भी श्री कृष्ण की इच्छा ही नहीं है तो फिर क्यों यत्न करते हो बेटा? यदि घर में खाने के करोड़ों पदार्थ भी रहें तब भी श्री कृष्ण की आज्ञा से ही कोई खा सकता है। जिस दिन श्री कृष्ण ने जिसके लिए जो बात नहीं लिखी है फिर वह बात करोड़ों उपाय करने पर भी पूर्ण सफल नहीं हो सकती है। और रात्रि भी लगभग डेढ़ और शायद दो प्रहर बीत चली है। दो प्रहर रात्रि बीत गई मतलब कितना? 12 बज गया था। अतः ऐसे समय पर क्या और रसोई करना योग्य है? इसलिए आज रसोई कराने के लिए और यत्न ना कीजिए, ऐसे ही कुछ थोड़ा सा खा लूँगा। विश्वरूप भगवान कहते हैं, इस समय रसोई करने से कोई दोष नहीं है, आपको रसोई करने से सबको संतोष होगा। इतना कहकर श्री विश्वरूप प्रभु ब्राह्मण के चरण पकड़ लेते हैं। सब लोग भी विप्रवर से रसोई तैयार करने के लिए इच्छा प्रकट करने लगे। श्री विश्वरूप को देखकर विप्रवर मोहित हो रहे हैं, अतः आप स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है मैं रसोई बनाऊंगा। तब तो सब लोग आनंदित होकर हरि ध्वनि करने लगे और सब मिलकर स्थान का संस्कार करने लगे। सब लोग संभ्रम के संग झटपट स्थान परिष्कार करके शीघ्र ही रसोई की सामग्री लेकर उपस्थित कर दिए। विप्रवर भी रसोई के लिए चलते हैं। इधर सब लोग बालक निमाई को घेर रखे हैं, एक सर्कल दो सर्कल, है ना? जिस घर में प्रभु भागकर छिपे हैं उसी घर के बीच दरवाजे पर श्री जगन्नाथ मिश्र जा बैठे हैं। सब लोग कहने लगे, बाहर से दरवाजा बंद बांध दीजिए जिससे कि यह फिर बाहर ना निकल सके। मिश्र जी कहते हैं, ठीक है यही उपाय सही है।
फिर तो दरवाजा बाहर से बांध के सब लोग बाहर आ गए। भीतर घर में स्त्री गण बोली कि अब कोई चिंता नहीं है, निमाई तो सो गया है, अब उसे किसी बात की सुधि नहीं है। इस प्रकार सब लोग बालक की रखवाली कर रहे हैं। इधर कुछ समय में ही विपुरवर जी रसोई बनकर तैयार हो गई है। तब वह सुकृति ब्राह्मण अन्न को सजाकर बैठकर ध्यान द्वारा श्री कृष्ण को निवेदन करने लगा। अंतर्यामी श्री सचिनंदन प्रभु सब जान गए। आपके मन में आया कि इस विप्र को दर्शन दे। श्री प्रभु की इच्छा से निद्रा देवी ने सब स्त्री पुरुषों को मोहित कर दिया। सबके सब अचेत नींद में सो रहे हैं। अब प्रभु श्री सचिनंदन जहाँ विप्र अन्न निवेदन कर रहे उसी ठौर पर आ गए। बालक को देखकर विप्र हाय हाय कर उठता है, परंतु यहाँ तो सब सो रहे हैं। अब हाय हाय, फिर हाय हाय, देखो फिर आ गया ये। इधर सब सो रहे हैं, किसी ने सुना नहीं। अब प्रभु बोले, अरे ब्राह्मण, तू तो बड़ा भोला है, अरे तू ही मुझको बुलाकर लाता है और फिर इसमें हमारे को दोष देता है, हैं? तू मेरा मंत्र जप करके मुझे आवाहन करता है तो मुझसे रहा नहीं जाता है, और तुम्हारे पास आ जाता हूँ। अब तुम निरंतर मेरे दर्शन के लिए रोज चिंता करते रहते हो टेंशन में कि प्रभु कब दर्शन देंगे, इसलिए मैं तुम्हें दिखाई देने दे गया हूँ आज। उसी क्षण विप्र प्रभु को परम अद्भुत शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित चार भुजा और एक हाथ में नवनीत पिंड और दूसरे हाथ में भोजन करते हुए देखते हैं। अचानक प्रकट हो गए ना शंख चक्र गदा पद्म में, बाकी और दोनों हाथ में श्री प्रभु मुरली बजा रहे हैं। हैं विप्रवर तो कितने हाथ हो गए, आठ अष्टभुजा रूप। विप्रवर इस प्रकार श्री प्रभु को अष्टभुज स्वरूप में देखते हैं, अष्टभुज स्वरूप में देखते हैं। श्रीवत्स कस्तु भवक्षे शोभे मणिहार, श्री अंगे देखे रत्नमय अलंकार, नव गुंजा बेढ़ा सीखी कुछ शोभे सीरे, चंद्रमुखे अरुण अधर शोभा करे, हसिया दोलाई दुई नयन कमल, बजयंती माला दोले मकर कुंडल, चरणारविंदे शोभे श्री रत्ननु पूरा, नखमणि किरणे तिमिर गेल दूरा, अपूर्व कदम्ब वृक्ष देखे से ई खानी, वृंदावन देखे नाद करे पक्षी गाने, गोप गोपी गावी गाना चतु दुखे देखे, यत ध्यान करे ताई देखे पर देखे, अपूर्व ऐश्वर्य देखी सुकृत ब्राह्मण, आनंदे मूर्छित हैया पड़िला तखान। प्रभु का अष्टभुज रूप देखते हैं, क्या देख रहे हैं, श्री वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह है, कौस्तुभ मणि एवं अन्य मणियों के हार सुशोभित हैं, अन्य सब श्रीअंग में रत्न आभूषण है, नवीन गुंजाओं की माला से परिवेष्टित मोर पंख सिर पर शोभा दे रहा है, श्री चंद्र वदन में अरुण अधर ओष्ठ शोभा को विस्तार कर रहे हैं, मुस्कुराते हुए दोनों नयन कमलों को चला रहे हैं, गले में वैजयंती माला, कानों में मकराकृत कुंडल झूल रहे हैं, श्री चरण कमलों में श्री रत्न नुपुर सुशोभित हैं, श्री नख रूपी मणियों से अंधकार दूर भाग रहा है, उस स्थान पर अपूर्व कदम वृक्ष दिख रहे हैं, पीछे कदम वृक्ष, श्री वृंदावन देख रहे हैं, हम वृंदावन के दर्शन हो गए वहीं पे घर में, जहाँ पर पक्षीगण कोलाहल कर रहे हैं, चारों ओर गोप गोपी हम गाभी गण को देख रहे हैं, जो ध्यान वे नित्य प्रतिक्रिया करते हैं आज वही सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं। अब तो वह सुकृतिवान ब्राह्मण प्रभु के ऐसे अपूर्व ऐश्वर्य को देखकर आनंद से मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा।
तब करुणा सागर श्री गौर सुंदर प्रभु ने उनके शरीर पर अपना श्री हस्त अर्पण किया। श्री हस्त स्पर्श से ब्राह्मण की चेतना फिर से वापस आई, पर आनंद से जड़वत बन गए, कुछ बोला नहीं जा रहा है। ब्राह्मण बारंबार मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिरते हैं, महाआनंद से विभोर होकर बारंबार उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं। आपका शरीर कंप हो रहा है, स्वेद एवं रोमांच के कारण स्थिर नहीं है। असुरधारा ऐसे झर रही है कि मानो महानदी बह रही हो। कछुक देर में विप्रवर प्रभु के श्री चरणों को पकड़कर उच्च स्वर में रोने लगे। श्री गौर सुंदर विप्र की इस प्रकार की स्थिति देखकर हंसकर उससे कुछ कहने लगे। प्रभु कहते हैं, हे विप्रवर सुनो, तुम हमारे अनेक जन्म के दास हो। हैं, क्या बोलते हैं? तुम हमारे अनेक जन्म के दास हो। प्रभु बोले सुना सुना ओए विप्रवर, अनेक जन्म रह तुम्ही हमारा किंकर। निरवधि भाव तुम्ही देखिते आमारे, अतएव आमी देला दिलाल तुमारे। आर जन्म एई रूपे नंद गृहे आमी, देखा दिला तुमारे ना मरता तुमी। जबे आमी अवतीर्ण अइला गोकुले, सेई जन्मे तुमी तीर्थ करकु तुहाले। दैवे तुमी अतिथि हइला नंद घरे, एई मते तुमी जान निवेद आमारे। कहते ओ एई मत करिया कौतुक, आई तोरा न देखा हिलो एई रूप। एते कामार तुमी जन्मे जन्मे दास, दिन बिंदु अन्य मोर न देखे प्रकाश। बहिलाम तुम्हारे सकल गोप्य कथा, कारो स्थान इहा नाही कहिबो अन्यथा। हे विप्रवर सुनो सुनो, तुम हमारे अनेक जन्मों के दास हो, तुम निरंतर मेरे दर्शन पाने की इच्छा करते हो, इसलिए मैंने आज तुम्हें दर्शन दिया है। मैं तुम्हें दिखाई दे गया हूँ। इससे पहले जन्म में मैंने तुझको श्री नंद के घर में इसी रूप में दर्शन दिया था, उसको तुम भूल गए हो। तब मैं गोकुल में अवतीर्ण हुआ था, उस जन्म में भी तुम आनंदपूर्वक तीर्थ पर्यटन करते थे। देव योग से नंद बाबा के घर आकर तुम अतिथि हुए थे, वहाँ भी इसी प्रकार तुमने मुझको अन्न निवेदन किया था। उस समय भी इसी प्रकार का कौतुक करके तुम्हारा अन्न हमने खाया था और यही रूप दिखलाया था। अतः तुम हमारे जन्म जन्म के दास हो, बिना मेरे दास के और कोई मेरा प्रकाश नहीं देख सकता। यह सब गुप्त बातें मैंने तुमसे कही है, इसको किसी भी अवस्था में किसी से मत बताना। बोले कि सीक्रेट है ये, किसी को शेयर, तुमको बताया मैंने, सीक्रेट शेयर मत करना, क्योंकि और भी लीला करनी है अभी। जब तक मेरा यह अवतार प्रकट रहे, हैं बोल रहे हैं, जब तक मेरा यह अवतार प्रकट रहेगा, तब किसी से भी यह बात मत कहना, नहीं तो हम तुम्हारा संहार कर देंगे। भगवान बोले बहुत मारूंगा तेरे को, बताया तो। जब तक मैं प्रकट लीला कर रहा हूँ तब तक मत बताना, बाद में किताब में लिखवा दूंगा मैं। संकीर्तन आरंभ कराने के लिए मेरा यह अवतार है। सब देशों में ही संकीर्तन प्रचार कराऊंगा। ब्रह्मा आदि देवता वृंद भी जिस प्रेम योग की कामना करते हैं, यहाँ वही प्रेम भक्ति योग पूर्ण रूप से सर्वसाधारण को घर घर जाकर दान करूंगा। कुछ दिन ठहर कर तुम और भी अनेक लीलाएं देखोगे। कुछ दिन यहाँ रुक जाओ, थोड़ा और लीला देखोगे तुम। यह सब बात अभी किसी से मत कहना। इस प्रकार श्री गौर सुंदर विप्रवर को कृपापूर्वक आश्वासन देकर अपने उसी घर में चले गए जहाँ सोए हुए थे, और पूर्वत बालक की तरह सो गए। योग निद्रा के प्रभाव से तब तक कोई नहीं जगा।
उस विप्रवर के से पर इस प्रकार लीला कर रहे प्रभु के अपूर्व उस विप्रवर ने प्रभु के उस अपूर्व प्रकाश को देखकर आनंद से भरकर परिपूर्ण हो गए और वो अपने सारे अंगों में वही कुछ प्रसादी जो बचा हुआ था लेपन करने लगे, जो भात बचा था पूरे शरीर में लेपने लगे ऐसे लेकर, और रोते हुए भोजन करने लगे, रोते हुए खा रहे हैं। ब्राह्मण कभी नाचने लगते हैं, कभी गाते हैं, कभी हुंकार करते हैं और बारंबार जय बाल गोपाल शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। विप्रवर के हुंकार सुनकर सब लोग जाग पड़े। उनका जागते हुए देखकर विप्रवर विप्रेर हुंकार सबे पाइला चेतन अपना सामारी विप्र कैल आचमन। सब जाग ले तो देखे अरे सब जागे, भगवान बोले किसी को बताना नहीं है तो अपने को कंट्रोल किया है ना। निर्विघ्ने भोजन करी क्रेन विप्रवर देखी सभे संतोष हिल बहुतर सभार कहिते मन चिंतय ब्राह्मण ईश्वर चिनिया सभे पाहु कमुचन ब्रह्मा शिव जहार निमित काम्य करे हे न प्रभु अवतरी आछे विप्रधारे प्रभु रे लोक सरे शिशु ज्ञान कथा कही सभे पाऊ कपरित्राण। अपने को संभाल कर आचमन करने लगे। सब लोग विप्रवर को निर्विघ्न भोजन कर चुके देखकर बड़े आनंदित हुए। वह ब्राह्मण बीती हुई इस घटना को सब से कहने के मन में विचार करते हैं, मन ही मन सोचते हैं कि मेरे कहने से इस बालक को ईश्वर जानकर सभी लोग उद्धार हो जाएंगे। जिन प्रभु के लिए ब्रह्मा शिव आदि देवता भी कितनी कामनाएं करते हैं वही प्रभु श्री जगन्नाथ मिश्र के घर में अवतार लिए हैं। उन्हीं श्री प्रभु को सब लोग बालक समझ रहे हैं। मैं बीती हुई यादें कह दूं जिससे सब लोगों को परित्राण हो जाएगा। श्री प्रभु ने किसी से भी कहना निषेध किया है और कहने से श्री भगवत आज्ञा भंग हो जाएगी। इस डर से विप्र ने किसी से कुछ भी नहीं कहा। वो ब्राह्मण प्रभु को पहचान कर उनके पास गुप्त भाव से उस नवदीप धाम में रहने लगे। रोज आके मिलते थे, उसको पता था लीला कर रहे, भगवान लीला कर रहे हैं, है ना। यह सब महाविचित्र कथा वेदों में भी गोपनीय है, इसे श्रवण करने से अवश्य ही श्री कृष्ण मिल जाते हैं। आदि खंड की लीला जिसमें श्री नारायण देव बालक रूप से क्रीड़ा कर रहे हैं मानो अमृत की झरना जैसी मधुर है। श्री गौर सुंदर प्रभु सर्वलोक चूड़ामणि वैकुंठ के ईश्वर श्री लक्ष्मीकांत श्री सीताकांत आदि सर्व तत्वमय हैं, जिन्होंने त्रेता युग में श्री राम एवं श्री लक्ष्मण स्वरूप धारण कर अनेक प्रकार की लीलाएं करके रावण का वध किया। द्वापर युग में जिन्होंने श्री कृष्ण एवं श्री बलराम होकर अनेक प्रकार से पृथ्वी का भार हरण किया और सर्ववेद जिनको श्री मुकुंद एवं श्री अनंत कहकर पुकारते हैं वही श्री चैतन्य एवं श्री नित्यानंद हैं, यह सुनिश्चित है, इसमें संशय नहीं। श्री कृष्ण चैतन्य एवं श्री नित्यानंद को जानकर श्री वृंदावन ठाकुर उन दोनों के चरणों में प्रार्थना करते हैं। मुकुंद अनंत जारे सर्व वेद कहे श्री चैतन्य नित्यानंद सुनिश्चय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान वृंदावन दास कछु पद जुगे गान हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. प्रकार से आज हमने फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर चैतन्य भागवत का संपन्न किया। तो उपस्थित सारे भक्तजनों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।